हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं ऑप्टिक्स का रिवीजन। ऑप्टिक्स के सारे फॉर्मूले ए टू जेड सब खत्म कर देंगे। आज के बाद हम 10 साल बाद भी अगर आपसे पूछूंगा ना कि क्या फॉर्मूला था, तो आपको याद आएगा। क्यों? बिकॉज सारी स्ट्रेटेजीज जो मैंने यूज़ की थी आईआईटी जेई 2006 देते वक्त, वो ही सारी स्ट्रेटेजीज मैं यूज़ कर रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है ना? तो हम बिल्कुल चालू करते हैं शुरुआत से और देखते हैं क्या क्या होगा। हम इसको ऐसे करने वाले हैं कि आपको रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके बाद किसी भी फॉर्मूले के किसी भी कंसेप्ट को, ठीक है ना? तो देखते रहो इस वीडियो को, देखते हैं क्या करना है हमको। ठीक है, चलो चालू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो अपन कर लेते हैं वर्चुअल क्या होता है, रियल क्या होता है ना? ये बहुत सिंपल चीज है, वर्चुअल क्या होता है और रियल क्या होता है, ठीक है? तो ऑब्जेक्ट जहां पे, मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, वर्चुअल इमेज भी हो सकती है, रियल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, रियल इमेज भी हो सकती है। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर ऑब्जेक्ट वर्चुअल होगा तो इमेज रियल बन ही बनेगी, ऐसा कुछ नहीं है। ऑब्जेक्ट वर्चुअल होके भी वर्चुअल इमेज बना सकता है, रियल इमेज बना सकता है, सब कुछ हो सकता है, ठीक है ना? तो वर्चुअल का मतलब सिंपल सा है कि नॉट रियल। रियल का मतलब क्या है? एक्चुअली मीटिंग, एक्चुअली मीटिंग। और वर्चुअल का मतलब क्या? अपियर टू मीट, अपियर टू मीट। हम लोग सारे, तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है ना? तो ये भी अच्छी चीज़ है कि सारा के सारा आपको याद रहेगा। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे प्लेन मिरर है। अब जैसे ये एक ऑब्जेक्ट वाकई पड़ा हुआ है ना, वाकई पड़ा हुआ है, तो रेज यहाँ से निकल रही है ना, मतलब एक्चुअली मीटिंग है, तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? रियल ऑब्जेक्ट है। ये ऐसे जाएगी रे, ऐसे जाएगी रे, ऐसे जाएगी रिफ्लेक्ट होके, ऐसे जाएगी रिफ्लेक्ट होके, तो हमको लगेगा कि यहाँ से आ रही है, तो ये इमेज है, बट ये कौन सी इमेज है? वर्चुअल इमेज है, ठीक है? वर्चुअल इमेज है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर इसी में प्लेन मिरर में आप बताओ मुझे कि रियल ऑब्जेक्ट तो आपने बता दिया, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का एग्जांपल। तो जैसे मान लो कि दो रेज ऐसे आ रही थी, जैसे मान लो पैरेलल रेज आ रही थी, ये अपने पास एक कॉन्वेक्स लेंस था, तो ऑब्वियसली ऐसे आएगी, बट आपने फोकस से पहले ही डाल दिया मिरर को, समझ रहे हो? तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? एक्चुअली मीट हुई क्या रे? अभी तक नहीं हुई ना। अगर ये नहीं होता तो मीट होती, होता नहीं तो मीट होती ना, एक्चुअली में नहीं, अपियर। तो ये जो है पहली बात तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्यों है? अच्छा ऑब्जेक्ट क्या होता है ये भी समझ लो, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कुछ बच्चों को ये नहीं पता ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है बच्चों, ये आप जिंदगी भर नहीं बोलोगे इसको, समझो आप, है ना? कि टकराने से पहले जो था वो ऑब्जेक्ट होता है, और टकराने के बाद जो है वो इमेज है। तो टकराने से पहले क्या था? अगर यहाँ पे ये नहीं होता, क्या नहीं होता? ये मिरर नहीं होता। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, रिकॉर्डिंग तो हो रहा है ना? हाँ हो रहा है, ठीक है। अगर ये टकराता नहीं तो ये यहाँ पे आके मिल रही होती, तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि टकराने से पहले जो डायरेक्शन में जाके मीटिंग पॉइंट है वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज बनेगी यहां पे। ये इमेज कौन सी होगी? रियल होगी। ऑब्जेक्ट कौन सा है? ये वर्चुअल। तो ये क्लैरिटी तो हुई हमको कि वर्चुअल इमेज क्या है, रियल इमेज क्या है। अब हम साइन कन्वेंशन की बात कर लेते हैं। जनरली हम क्या करते हैं, इस तरफ से आती हुई मानते हैं रेस को, और जो भी मिरर है, लेंस है, कुछ भी है, ये है कुछ भी है, इसके हम ओरिजिन मान लेते हैं। ऊपर पॉजिटिव मान लेते हैं, नीचे नेगेटिव मान लेते हैं। इस तरफ जो होता है पॉजिटिव, इस तरफ जो होता है नेगेटिव, सिंपल है। तो जैसे अगर मैं यही एग्जाम्पल लूँ कि दो रेज ऐसे आ रही थी, तो इस केस में ये जो होगा, ये कोई कुछ भी हो सकता है ना, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट अपना पॉजिटिव लेंगे अपन, और जो इमेज बन रही होगी कहीं पे, यहाँ पे बन रही होगी, वो तो अपने आप आ जाएगा, ठीक है? एक बार हमें ना फोकल लेंस की भी बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा लेंसेज और मिरर्स के सारे इक्वेशंस बता देता हूँ आपको, जिंदगी भर के लिए याद रहेंगे। अब बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, आप मानो या ना मानो, क्या होता है, आप फिजिक्स भी पढ़ रहे होते हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे होते हो, बायो या मैथमेटिक्स पढ़ रहे होते हो, तो क्या होता है ना, एक टाइम के बाद बहुत कन्फ्यूजन होता है कि नेगेटिव कहाँ पे था, पॉजिटिव कहाँ पे था। तो लेंस के फॉर्मूले में क्या आता है? वन अपॉन वी, वन अपॉन यू, वन अपॉन एफ। और मिरर के फॉर्मूले में क्या आता है? वन अपॉन वी, वन अपॉन यू, वन अपॉन एफ। कहाँ नेगेटिव आता है, कहाँ पॉजिटिव। फिर इसका मैग्नीफिकेशन आता है, मैग्नीफिकेशन यहाँ कौन सा आएगा, नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। फिर इसका पावर आता है, वहां पे नेगेटिव कौन सा आएगा, पॉजिटिव कौन सा आएगा। फिर मैग्नीफिकेशन भी दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है ये वाला मैग्नीफिकेशन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, एक होता है ये वाला मैग्नीफिकेशन कि ऐसे है तो उसका ऐसा मैग्नीफिकेशन। तो ये मैग्नीफिकेशन अलग होता है, ये मैग्नीफिकेशन अलग होता है। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, वो है थोड़ा सा दिक्कत वाली बात। तो इसको आप जिंदगी भर के लिए याद कर लेंगे, 10 साल बाद भी पूछूंगा ना तो आप बताओगे कि सर हाँ मतलब याद है। देख लो भाई, फोकल लेंथ तो एक तरफ आएगी, फिर वी और यू एक तरफ आएगा, ठीक है? तो लेंस में देखो एक माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन, ऐसे लटडंडा है ना लेंस में, माइनस का साइन, तो माई माइनस आ गया। तो बच्चों यही मैं बोलता रहता हूँ, ये ना ये प्लस आ गया, बस खत्म। अब क्योंकि ये माइनस है, इसको थोड़ा ब्लैक पेन से लिख लेते हैं अपन। ये माइनस है तो ये क्या आएगा, प्लस आएगा, ठीक है? इक्वल टू वन अपॉन एफ, बस इतना है, बाकी सब उल्टा है, बाकी सब क्या है, उल्टा। तो ये जो मैग्निफिकेशन है ये क्या होगा, ये माइनस आ चुका ना, तो यहाँ पे बस पॉजिटिव रहेगा सब कुछ। तो ये क्या रहेगा, वी बाई यू, ये क्या रहेगा, वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। यहाँ का क्या रहेगा, माइनस ऑफ वी बाई यू,
और माइनस ऑफ वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। याद रहे मैग्निफिकेशन भी पैरेक्शियल रेज के लिए, मतलब छोटी ही रेज होंगी तभी होगा, ठीक है ना। ये फंडा है, मैग्निफिकेशन हो गया अपना, ठीक है। फिर पावर क्या होगा, पावर लेंस का, क्योंकि यहाँ पे माइनस आ चुका तो अब माइनस आएगा ही नहीं, तो वन अपॉन फोकल लेंथ, ये माइनस ऑफ वन अपॉन फोकल लेंथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों, ठीक है ना। तो आपको क्या है ना, कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि आप जो मिरर, अब मैं समझाता हूँ कहाँ दिक्कत होती है बच्चों को। जैसे बच्चों को मान लो एक लेंस दे रखा है और उसके साथ एक है ना मिरर भी लगा दिया, ठीक है ना। पूछा है कि भाई पावर क्या होगा कंबाइंड सिस्टम का, कंबाइंड सिस्टम का। जैसे मान लो दे दिया कि भाई लेंस की फोकल लेंथ दे दी, फोकल लेंथ ही कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव होगी। अच्छा, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव क्यों होती है ये भी समझ लो, कि हम मानेंगे रेज को यहां से आते हुए तो इसका जो फोकस बनेगा यहां बनेगा, तो फोकल लेंथ इसकी पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। ऐसे जो मिरर है ये कौन सा, अच्छा, कॉनकेव क्या होता है, कॉन्वेक्स क्या होता है वो भी समझ लो। कॉन्वेक्स हम कैसे याद रखें, कॉनकेव देखो, कॉनकेव ये मिरर है, कॉनकेव मिरर, और ये जो लेंस है, ये जो मिरर है कॉन्वेक्स है। ऐसे ये जो लेंस है ये कॉनकेव है और ये जो लेंस है वो कॉन्वेक्स है। इसको कैसे याद रखेंगे, देखो केव दिख रहा है आपको, केव। अगर इधर से आप आओगे एंटर करोगे तो ऐसे गुफा में नहीं जा रहे आप, अंदर गुफा क्या होता है, अंदर ऐसे घुसोगे ना, गुफा में घुसना है आपको, तो ये गुफा है आपकी, है ना, ये गुफा टाइप है आपकी, ऐसे गुफा बनी हुई है। तो कॉनकेव याद हो गया, तो कॉन्वेक्स याद हो गया, ठीक है। अब इसकी फोकल लेंथ देख लेते हैं, इसकी जो फोकल लेंथ होगी, जो लाइट रेज आ रही होंगी वो ऐसे आ रही होंगी, तो भाई ये ओरिजिन मानते हैं तो नेगेटिव, इसका फोकल लेंथ क्या है, नेगेटिव। तो ये ट्रिक्स है बेसिकली जो मैं आपको जिंदगी भर याद, ये तभी का याद करा हुआ है मैंने ऑप्टिक्स, जो तब मैंने जब पढ़ाई की थी, है ना। तो ये फुल कोर्सेज अपने अवेलेबल हैं जेई और नीट के, वो आप देख ही लो, वो अपन बाद में बात करते हैं अभी, है ना। ये आप देख लो रिविजन, वो तो आप देख ही लोगे डिस्क्रिप्शन में जाके। तो इसका जो होगा ये ऐसे जाएगा रिफ्लेक्ट होके, है ना, ये इसका, तो यहाँ पे इसका बन रहा होगा, तो इसका पॉजिटिव हो गया, उल्टा हो जाएगा ना वो, तो आप एक बना के देख लो। ऐसे ही अपन को पता है ये ऐसे जाती है रेस, तो इसका यहाँ बन रहा होगा वर्चुअल होगा, तो ये नेगेटिव होगा फोकल लेंथ इसका, और ये इसका जो फोकल लेंथ होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है बच्चों, कोई डाउट नहीं होगा यहाँ तक, ठीक है ना। ये समझ गए कॉन्वेक्स में कैसे बन रही है इमेज, कि ये जो लाइट है रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जा रही है, तो ये अपीयर होगी यहाँ से आती हुई, तो इसका जो फोकल लेंथ वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये फंडा है पूरा की पूरा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं एक बार आगे देख लेते हैं थोड़ा सा कंबाइंड। हाँ, तो ये क्वेश्चन करवा रहा था, कंबाइंड का कैसे निकालेंगे हम, ठीक है ना। तो जैसे मान लेते हैं कि एक कॉन्वेक्स लेंस लिया, एक एक कॉन्वेक्स लेंस लिया और एक ये ले लिया। अब आप समझो इसको क्या होगा, यहाँ पे एक और गलती करते हो, बताऊँ क्या गलती करते हो। इसका फोकल लेंथ आप मान लो कुछ दे रखा है 20 मान लो सेंटीमीटर, इसका मान लो फोकल लेंथ कुछ दे रखा है, नेगेटिव होगा ना, तो मान लो माइनस ऑफ 10 दे रखा है सेंटीमीटर। अब पूछा है कि कंबाइंड का निकालो, तो यहाँ पे बहुत गलती होने वाली बच्चों, समझो इस चीज़ को। पहली गलती क्या करते हो आप इन दोनों को ऐड कर देते हो उल्टा करके। तो पहले तो इसका पावर निकाल लेते हैं। अब लेंस में नेगेटिव आता है, देखो याद आएगा, एक एक करके याद आएगा, लेंस में नेगेटिव आता है फॉर्मूले में, तो पावर में कोई नेगेटिव नहीं आएगा, तो पावर क्या आ जाएगा इसका, 1/20, और ये सेंटीमीटर्स में ना, तो 1/0.2 होगा, मतलब 5 आ जाएगा इसका पावर, ठीक है। इसका पावर क्या आएगा, ये पावर ऑफ लेंस लिख रहा हूँ, ये पावर ऑफ मिरर लिख रहा हूँ, है ना। एक एक चीज अच्छे से ध्यान रखो, मिरर के फॉर्मूले में पॉजिटिव आता था 1/V + 1/U, तो यहाँ पे जो पावर आएगा नेगेटिव आएगा, तो -1/फोकल लेंथ आएगा। इसके पीछे भी कंसेप्ट है कि पॉजिटिव क्यों हो रहा है इसका पावर, मैं समझाता हूँ आपको, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, -1/-10। अच्छा, -10 नहीं होगा, -0.1 होगा, क्यों, क्योंकि मीटर्स में लेना होता है ना। तो ये कितना बन जाएगा, 0.1, मतलब 10 बन जाएगा ये पावर, ये 5 हो गया, 10 हो गया। पॉजिटिव क्यों, समझो इस चीज को, पॉजिटिव पावर कब होता है, देखो ऐसे याद रख लो, कॉन्वेक्स का पॉजिटिव, कंफ्यूजन भी हो, कॉन्वेक्स क्या करता है, कन्वर्ज करता है ना, तो कन्वर्जिंग वाले का पॉजिटिव होता है। तो अब ये लेंस, ये मिरर क्या करता है, ये तो कन्वर्ज करता है ना, तो कन्वर्ज वाले का पावर हमेशा पॉजिटिव आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो दोनों की प्रॉपर्टी सेम है ना, दोनों क्या काम कर रहे हैं, देखो ये भी रेज को छोटा करने की कोशिश करेगा और ये भी रेज को छोटा करने की कोशिश करेगा, तो ये लॉजिकल है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा, नेगेटिव क्यों है एक का पावर, एक का पॉजिटिव क्यों, ऐसे कोई बहुत ही लॉजिकल चीज है कि भाई लेंस जो है वो कन्वर्ज कर रहा है, तो जो ये वाला मिरर है ये भी कन्वर्ज कर रहा है, तो जो कन्वर्जिंग एक्शन है दोनों के ऐडअप होंगे ना, तो फिर पावर ऐडअप करेंगे तो फिर कैसे हम कर पाएंगे, ठीक है ना। तो अब आप क्या करोगे, अब आप कर दोगे इसको 5 + 10 कर दोगे, ये गलत है, ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जो रे आएगी, मैं बनाया था रे जो आएगी, समझ रहे हो, तो जो रे आ रही होगी, समझो इस चीज को, जो रे आ रही होगी वो ऐसे जा रही होगी, फिर ऐसे जाके वापस से ऐसे आ रही होगी, तो कितनी बार लेंस से टकराहट हुई, 2 बार। तो जो पावर आएगा इफेक्टिव वो क्या आएगा, 2 पावर ऑफ लेंस + पावर ऑफ मिरर, समझ रहे हो। जो रे जाएगी वो एक बार लेंस में गई, फिर मिरर से आई, फिर वापस से लेंस से आई, तो 2 बार लेंस का काम आया ना, 2 बार रे ने लेंस को, लेंस ने रे को कम किया, तो ये कितना आ गया देखो, 10 + 10, मतलब 20 पावर आ गया इसका इफेक्टिव। अब बताओ कंबाइंड सिस्टम का फोकल लेंथ क्या होगा। अब देखो यहां भी गलती कर लोगे आप क्या बोल दोगे, सर पावर 1 आ गया ना, तो फोकल लेंथ 1/20 हो जाएगा ना, 1/ उल्टा हो जाएगा, तो ये क्या हो गया,
अपना 1/20 मतलब कितना हो गया, फोकल लेंथ 0.5 है ना, 0.5 हो गया, 0.5 हो गया मतलब 50 सेंटीमीटर हो गया, मीटर में चल रहा है ना सब कुछ, तो 1/20, 1/20 मतलब 0.05 मतलब 5 सेंटीमीटर हो गया। अब ये आंसर भी गलत है, ये आंसर क्यों गलत है, क्योंकि जो फाइनल कॉम्बिनेशन बना वो क्या बना, मिरर बना कि लेंस बना, जो फाइनल कॉम्बिनेशन बना उसने लाइट को इससे इधर फेंका ना, इधर से इधर फेंका ना, मिरर का काम कर रहा है ना भाई, फाइनल कॉम्बिनेशन तो लाइट जाके वापस आ रही है ना, मतलब मिरर का काम कर रहा है, मिरर का काम कर रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो फाइनल जो होगा वापस से जो हम लिखेंगे पावर को वो क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ 1/f लिखेंगे फाइनली, समझो, क्योंकि लेंस का पावर 1/f होता है तो मिरर का माइनस, तो ये गलत है, ये गलत है, एक्चुअल जो फोकल लेंथ होगा वो क्या होगा, माइनस ऑफ 5 सेंटीमीटर, क्यों, क्योंकि फाइनल जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, मिरर बन रहा है कि लेंस बन रहा है, मिरर बन रहा है। तो बच्चों ये सारी चीजें समझो एक एक चीज में है ना, अब आप बोलोगे सिली मिस्टेक हो गई यार ये नेगेटिव हो गया, वैसा कुछ नहीं होता, अब समझो इस चीज को, आप अभी की अभी इसको अगर भूल जाओगे ना, मतलब भूल जाओगे मतलब जिंदगी भर, मैं भूलना किसको बोलता हूँ, जिसको आपको जिंदगी भर रिवाइज करने की जरूरत ना पड़े उसको भूलना है ना, कि ऐसा याद करो कि वापस से रिविजन की जरूरत नहीं पड़े उसको, जैसे ABCD है 1 2 3 4 5 6 वो भूल चुके हैं ना आप, थोड़ी आप याद रखते हो, रिवाइज थोड़ी करते हो ABCD को, याद है, तो ऐसा कुछ, तो ये देखो वर्चुअल रियल याद है अपन को, ये माइनस प्लस ए की चीज से याद हो गया अपन को, जिंदगी भर के लिए याद हो गया, अब इसको जरूरत नहीं है अपन को वापस से कुछ भी करने की रिवीजन। तो बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे ऑप्टिक्स का बनाओ सर, ऑप्टिक्स में बहुत दिक्कत आई, ये देखो ये पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया आपको, तो PDF आपको मिल जाएगी नीचे, समझो इस चीज को है ना, ये देख लो कॉन्वेक्स कॉनकेव समझ में आ गया, फोकल लेंथ नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये सब हमारा समझ में आ गया, ठीक है। और बातें कर लेते हैं, बहुत सारी चीजें, रिफ्लेक्शन की बातें कर रहे थे, रिफ्लेक्शन की बातें कर रहे थे, रिफ्लेक्शन का तो आपको पता ही है आई और जे वाला फंडा होता है सिंपली, मैं रिफ्लेक्शन के अंदर है ना एक यार वो दे देता हूँ आपको, बेसिकली ना IIT एडवांस का क्वेश्चन दे देता हूँ, 2013 का एडवांस का क्वेश्चन है वो, समझो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हाफ आई कैप प्लस √3j कैप में ट्रैवल कर रही है कौन सी रे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, और बोल रहा है कि रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद वो हाफ आई कैप माइनस √3j कैप जा रही है, ये कौन सी है, रिफ्लेक्टेड रे, तो आपको बताना है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये सवाल अपना JEE एडवांस, JEE एडवांस, क्योंकि बच्चों को इस सवाल में दिक्कत होती है, बच्चे सवाल पूछते रहते हैं मुझसे सर कैसे करेंगे इसको, यार देखो समझो इस चीज को है ना, बहुत ही लॉजिकली काम करेंगे अपन है ना, ज्यादा ज्यादा अपन उल्टे से देखो, बहुत ही लॉजिकली काम करेंगे भाई, इंसिडेंट रे ये है और रिफ्लेक्टेड ये रे है ना, इंसिडेंट दे रखा है रिफ्लेक्ट, आपको बताना है एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये होता है थीटा एंगल, तो ये बताना है, तो उसके लिए पहले ये तो निकालना पड़ेगा है ना। अब देखो ये नीचे की तरफ आ रहा है ना, इसको उल्टा कर दो, क्यों उल्टा कर दो, क्योंकि अगर मैं ये वेक्टर बनाऊंगा और ये वेक्टर बनाऊंगा और उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊंगा मतलब अपॉन टू कर दूंगा है ना, तो मेरे पास ये आ जाएगा, सिंपल है ना, समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं, तो मैंने क्या करा, इंसिडेंट रे को उल्टा कर दिया पहले, तो उल्टा ऑफ इंसिडेंट क्या हो गया, उल्टा ऑफ इंसिडेंट है ना, एक एक चीज नहीं करेंगे, फॉर्मूले याद नहीं करते अपन फालतू के, अपन फालतू फॉर्मूले याद नहीं करते, बहुत ही लॉजिकली काम करते, उल्टा ऑफ इंसिडेंट क्या हो गया, हाफ ऑफ माइनस ऑफ आई कैप माइनस ऑफ √3j कैप, ठीक है, और रिफ्लेक्टेड तो क्या था, रिफ्लेक्टेड था हाफ ऑफ आई कैप माइनस √3j कैप, ठीक है, अब दोनों को ऐड कर दो, ऐड क्यों कर दो, क्योंकि दिस प्लस दिस अपॉन टू करना है अपन को, बीच वाला वेक्टर क्या होगा, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर अपॉन टू, ये बीच वाला वेक्टर हो जाएगा, बीच दोनों का एडिशन है ना, दोनों का एडिशन जो होगा वो बीच में हो जाएगा, यार इसको समझो, अब एडिशन भी वेक्टर का यार क्यों, देखो एडिशन के लिए भी कोई लॉ नहीं होता, सिंपल होता है वेक्टर एडिशन, ये इस तरफ गया ये इस तरफ गया तो यहां से यहां पहुंचा, यहां से यहां पहुंचा तो कहां से कहां पहुंच गया, यहां से यहां पहुंच गया, खत्म, कहानी, इतना सा लॉ है। फिर दूसरा जो ये वाला होता है, ऐसे गया फिर ऐसे गया, अरे ऐसे गया यहां से यहां गया फिर यहां से गया, तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट क्या हो गया, ये हो गया, अब इसको बस ऐसे परपेंडिकुलर बना के निकाल लो, इतना बड़ा होता ही नहीं है, तो ये अपन ने कैसे जाना कि इन दोनों का एडिशन बीच में आएगा भाई, क्योंकि ये भी पहली बात तो एक यूनिट वेक्टर है, ये भी यूनिट वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड में तो कोई दिक्कत आई नहीं है ना। अब क्या होगा, समझो आप जैसे कि दो वेलोसिटीज का एडिशन हो रहा है, ठीक है ना, जैसे एक बंदा है वो ऐसे जा रहा है फिर ऐसे जा रहा है, तो यहीं पहुंचेगा ना, ये वेक्टर ये है, ये वेक्टर ये है, यहीं पहुंचेगा, तो बीच में आ गया, तो बीच में क्या आ गया मतलब क्या आ गया, देखो दोनों को ऐड कर दो, आई आई कैंसिल हो गया, अपने पास क्या आ गया, माइनस ऑफ √3/2, अपॉन टू भी कर लो, एक्चुअली वो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे को इससे मतलब है, केवल जे वेक्टर से मतलब है, उससे बाकी तो फर्क ही नहीं पड़ता मेरे को, ठीक है ना, क्यों मतलब है, क्योंकि मेरे को ये निकालना है कि ये वेक्टर क्या है, जे वेक्टर है बेसिकली, सिंपल हो गया प्रॉब्लम। तो बेसिकली जो मिरर है अपना वो कौन सी प्लेन में है, वो अपना है एक्स और जेड प्लेन में, और ये जे है, अब आपको क्या करना है, आपको ये निकालना है एंगल, तो इसके और इसके बीच में, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे निकालेंगे, ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, तो एक वेक्टर तो जे ले लो, एक वेक्टर इन दोनों में से कोई ले लो, इन दोनों में से कोई क्यों ले लो, बिकॉज आपको क्या करना है, आपको तो ये करना है ना कि ये एंगल बराबर ही होता है, कोई भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो देखो जे डॉट ये अंदर वाली चीज ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने ही वाले, तो यूनिट लो या मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, तो कोई भी ले लो, आई कैप माइनस √3j कैप,
अपॉन, या फिर ये ले लो, प्लस ही ले लो, है ना, कुछ भी ले लो, अपॉन इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है वन, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा रूट थ्री प्लस वन का अलग करेंगे तो टू आ जाएगा आंसर। अब देखो जे डॉट आई तो जीरो हो जाएगा, ये कितना बन जाएगा रूट थ्री अपॉन टू, रूट थ्री अपॉन टू, तो कॉस ऑफ थीटा रूट थ्री अपॉन टू है, रूट थ्री अपॉन टू का मतलब क्या हो गया, रूट थ्री अपॉन टू जीरो वन अपॉन टू साइन थर्टी डिग्री, तो वन अपॉन टू साइन में आता है ना थर्टी, तो कॉस में रूट थ्री, तो थर्टी डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस है और थर्टी डिग्री एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो ये आपको मिल जाएगा नीचे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अपन ने साइन कर दिया, ये कर लिया। ठीक है, जिंदगी भर ट्रिक्स की बात बता रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे भी जिंदगी भर आप कैसे याद रखोगे, देखो कौन सा मैग्निफिकेशन वी बाई यू होता है, कौन सा वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर होता है, ये कैसे याद रखोगे, देखो जैसे मान लो एक लेंस होता है यहाँ पे, तो दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ये हाइट इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये वी है, ये यू है, सिमिलर ट्राइंगल है ना ये, तो सिमिलर ट्राइंगल मतलब वी जितना ज़्यादा होगा उतना ही एच आई होगा, तो ये क्या है एच आई अपॉन एच ओ कितना है वी अपॉन यू है। ठीक है, सिंपल हो गया बात एकदम ही, समझ रहे हो, ठीक है ना। तो ये माइनस ये वी स्क्वायर अपन यू स्क्वायर क्यों होता है, इसमें होता है, इसमें डिफ्रेंशिएट करके निकालते हैं अपन, सॉल्यूशन नहीं करेंगे अपन, याद कर लेंगे एक में वी बाई यू होता है। अच्छा, तो कंफ्यूजन क्या होगा कि वी बाई यू किस में होता है और वी स्क्वायर अपन यू स्क्वायर किस में होता है, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा कि वी बाई यू और वी स्क्वायर अपन यू स्क्वायर है और माइनस ऑफ वी बाई यू और माइनस ऑफ वी स्क्वायर अपन यू स्क्वायर, कंफ्यूजन किस में होगा कि भाई वी बाई यू किस में होगा, तो ये वाले में वी बाई यू क्यों होगा, सिंपल है ना, सिमिलर ट्राइंगल्स पढ़े हैं आपने, तो इसमें वी बाई यू, इसका मतलब उल्टे वाले में जो अलॉन्ग द एक्सिस होता है मैग्निफिकेशन वो क्या होता है वी स्क्वायर अपन यू स्क्वायर होता है। सवाल भी कर सकते हैं, सवाल कर लो, सवाल कैसे करोगे, जैसे मान लो एक सवाल ले लेते हैं अपन, अब एक और चीज़ समझ लो मैग्निफिकेशन एक बार पहले, तो ये समझ लो, जैसे मान लो ये मिरर है, तो अगर कोई चीज़ यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड से जा रही है, मेरे को इमेज इमेज मान लो यहाँ बनी, वैसे तो यहाँ भी बन सकती है, इमेज मान लो यहाँ बनी ऐसे बनी, मान लो इमेज यहाँ ऐसे बनी, इसकी वेलोसिटी मेरे को माननी है, वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगी, ठीक है ना, तो ये कौन सा मैग्निफिकेशन है, ये वाला मैग्निफिकेशन, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज अपॉन 5 दिस शुड बी इक्वल टू, है ना, इसको पॉजिटिव मान लो अपने आप आंसर नेगेटिव आ जाएगा, दिस शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। अच्छा माइनस आएगा कि प्लस आएगा, देखो लेंस में नेगेटिव आता है बाकी सब पॉजिटिव रहता है, तो मिरर के अंदर क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा बाकी सब नेगेटिव रहेगा, इक्वेशन पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव, तो माइनस ऑफ वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, इससे आंसर आ जाएगा। ये वी क्या है ये, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, ये मिरर है, तो ये मिरर है, इसमें अपन को दे रखा है एक ऑब्जेक्ट दे रखा है, ऐसे दे रखा है 5 है, ये एंगल 37 डिग्री है, ठीक है, तो जिंदगी भर याद हुआ कि नहीं मुझे बताओ, जिंदगी भर याद हुआ कि नहीं, पहले तो अपन देख लेते हैं तुमको याद तो हुआ नहीं जिंदगी भर, वर्चुअल रियल जिंदगी भर याद हो गया, कमेंट में बताओ मेरे को कि हाँ सर याद हो गया। तो देखो फिजिक्स का जो अच्छा स्कोरर होता है ना, जिसने भी फिजिक्स में अच्छे नंबर से क्वालिफाई किया हुआ, पढ़ाने वालों की बात नहीं कर रहा मैं, पढ़ा तो कोई भी सकता है, आप भी पढ़ा दोगे फर्स्ट ईयर में जाके, है ना, बट याद कैसे रखवाना है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने याद की थी इसीलिए, और केवल आईआईटी जेई नहीं, कैट के अंदर गेट के अंदर सब में 99% ऊपर है अपनी फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर ही, सेल्फ स्टडी से विदाउट कोचिंग, है ना। देखो याद हुआ कि नहीं, तो लेंस में देखो याद हो गया कि यहाँ पे नेगेटिव है बाकी सब पॉजिटिव है, मिरर के अंदर याद हो गया कि लेंस में नेगेटिव तो यहाँ पॉजिटिव है बाकी सब नेगेटिव है, ये याद हो गया जिंदगी भर के लिए, है ना। ये याद हो गया कि वी बाई यू और वी स्क्वायर अपन यू स्क्वायर में कन्फ्यूजन नहीं होगा, वी बाई यू कौन सा होगा ये वाला होगा और वी स्क्वायर अपन यू स्क्वायर कौन सा होगा ये वाला, ठीक है। तो पावर में याद हो गया, पावर में कैसे करेंगे, है ना, गलतियाँ नहीं करनी है, माइनस क्यों लेंगे बिकॉज फाइनली मिरर बन रहा है, अगर दो लेंसेज बन रहे होते तो अपन पावर को लिखते 1/f फाइनल, बट यहाँ पे मिरर बन रहा था, तो ये भी याद हो गया अपन को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये 2 क्यों आएगा समझ में आ रही है बात, क्योंकि दो बार लेंस से होके जा रही है तो 2 आ जाएगा, ये याद हो गया अपन को, ये अपन को बहुत सिंपल बन गया। इसमें याद करते हैं पता नहीं कहाँ कौन 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 से इक्वेशंस याद करते हैं, वो सब अपन याद नहीं करते बच्चों, मैंने तो याद नहीं किया है, जेई एडवांस में है मतलब सिलेक्शन, तो आईआईटी बॉम्बे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब याद नहीं करते हैं अपन। मैं फिजिक्स को ऐसा ट्रीट करता था कि भाई फिजिक्स को तो ऐसे ट्रीट करो कि भाई अब कुछ करना ही नहीं है फिजिक्स में, रिविजन करना ही नहीं है, एक बार पढ़ा हो गया खत्म, रिविजन करना ही नहीं है, ऐसा कुछ बनाओ कि रिविजन ना करना पड़े, तुम बनाओ ना ट्रिक बनाओ। जैसे आज बच्चों को क्लास में कन्फ्यूजन हो रहा था कि सर वो ये जो होता है ना रॉड, इसके अबाउट ml स्क्वायर बाय 3 होता है या इसके अबाउट ml स्क्वायर बाय 3 होता है, तो मैंने बना दी ट्रिक, क्या बना दी ट्रिक कि भाई ये जो है ये टिप है, टिप में 3 आते हैं ना, या फिर टॉप बोल दिया था एक बच्चे ने, टॉप है सर ये, टॉप ऑफ द वो है, 3 आते हैं तो ml स्क्वायर बाय 3 हो गया, तो कन्फ्यूजन होगा ही नहीं ना बाकी, तो ml स्क्वायर बाय, जैसे हॉलो, हॉलो में और इस उसमें कन्फ्यूजन होता है बच्चों को कि सर 2/3 किस में आता है, 2/5 किस में आता है, तो भाई हॉलो है, एक हॉलो स्फीयर है, एक सॉलिड स्फीयर है, देखो सॉलिड में 5 बन रहा है तो 5 आ गया, हॉलो में 3 डंडे बन रहे हैं 1, 2, 3 तो 3 आ गया, खत्म, ऐसे याद रखते हैं चीज़ों को, है ना। तो ये सब बना रखी है अपन ने पूरे कोर्स में, ये फुल कोर्सेज जो अपने जेई और नीट के उसके अंदर सब है। तो इसमें देख लेते हैं पहले अपन को ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे रखा है, ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ दे रखी है माइनस ऑफ 20 और यू दे रखा है माइनस ऑफ 30, है ना। तो अपन को निकालना है कि भाई ये तो ऑब्जेक्ट है तो इमेज की क्या होगी, पहले तो इसको देख लो 5। अच्छा ये भी बच्चों को दिक्कत होती है सर 5 के साथ हॉरिजॉन्टल क्या होगा और वर्टिकल क्या होगा, ये भी समझा दूंगा मैं, ये नेक्स्ट पेज में पहले समझा ही देता हूँ, चलो तुम बोलोगे सर समझा नहीं रहे, देखो 5
लाइक कर दो, शेयर तो करना मत क्योंकि शेयर करने से दूसरों का फायदा हो जाएगा, है ना। अभी तो अपन परसेंटेज नहीं लाने वाले ना बोर्ड्स में, करना है तो कर दो। अभी तो अपन क्या करने वाले हैं, अभी तो अपन रैंक लाने वाले हैं, रैंक के लिए अपन को दूसरे से निकलना है आगे, है ना। ये तो रहेगी देखो भावना, कॉम्पिटिशन की भावना रहेगी, सिंपल सी बात है। जब तब तब तक नहीं रहेगी जब तक आप एक्सेल नहीं कर पाओगे, आपको लगेगा सब मेरे भाई बहन चल रहे हैं तो फिर एक्सेल नहीं कर पाओगे। आसपास वालों को कर सकते हो, ग्रुप स्टडीज वालों को, लेकिन ऑल इंडिया लेवल पर तो कॉम्पीट करना ही पड़ेगा। तो इसको मैं कैसे याद करवाता हूँ, देखो यार पहले तो मैं समझा देता हूँ। 5 है 37 डिग्री है, ये 3 होता है, ये 4 होता है। क्यों होता है, क्योंकि छोटे के सामने छोटा एंगल, बड़े के सामने बड़ा एंगल, वहां तक भी ठीक है। अब बच्चे साइन में कन्फ्यूजन होते हैं, सर साइन 37 क्या होगा, और जैसे ये यही है तो बच्चों को दिक्कत होती है, भाई साइन क्या होगा कॉस क्या होगा, है ना। जैसे मान लो मैंने ये एंगल दे दिया थीटा, तो बच्चों को दिक्कत होती है सर इसमें साइन क्या लें। जैसे मान लो ये ए ले लिया, बी ले लिया, सी ले लिया, तो 11th क्लास के बच्चों को शुरुआत में दिक्कत होती है। तो भाई क्या होगा साइन क्या होगा कॉस, तो मैं सिंपल सा बोलता हूँ, देखो साइन ने पाप किया है, पाप किया तो उसको दूर भगा दिया, और कॉस वाला है ना को एग्जिस्ट, कॉस मतलब को एग्जिस्ट। अब ये सारी ट्रिक्स वो हैं जो मैंने बनाई थी बच्चों उस वक्त जब मैं पढ़ाई कर रहा था अपनी, है ना। तो को एग्जिस्ट, तो को एग्जिस्ट, तो कॉस मतलब ये देखो एक तो हाइपोटन्यूज आएगा, एक तो कॉस ऑफ थीटा लिखो, साइन ऑफ थीटा लिखो, तो कॉस ऑफ थीटा साइन ऑफ थीटा, ये सब सब में अप्लाई हो जाएगी ट्रिक। कॉस में नीचे तो क्या आएगा, हाइपोटन्यूज आएगा, ये सिंपल है। कॉस वाला को एग्जिस्ट मतलब एंगल के साथ कौन को एग्जिस्ट कर रहा है, बी, और किसको दूर भगा दिया थीटा से, सी को दूर भगा दिया, तो ये सी हो गया साइन, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं अपन, पहले तो ये ट्राइंगल बना था 3, 37 के सामने छोटा, 53 के सामने बड़ा, 4। तो साइन ऑफ 37 कितना होगा, साइन ऑफ 37 कितना, साइन ऑफ 37 कितना होगा, 3/5, और कॉस ऑफ 37 कितना होगा, 4/5, ठीक है ना। तो ये कितना होगा, ये को एग्जिस्ट करेगा ना, को एग्जिस्ट करेगा, को एग्जिस्ट क्यों करेगा, साथ में ये दूर भगा हुआ है ना उससे दूर भगा दिया इसको, तो ये साइन ऑफ 37 कौन सा होगा, ये वाला होगा। साइन ऑफ 37 मतलब ये 3 बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा, यहाँ तक तो क्लियर हुआ। अपन को निकालना है इमेज की वेलोसिटी कितनी होगी, इमेज का वेलोसिटी वगैरह कितना होगा। तो पहले तो इसका वी निकाल लो, तो इसमें कौन सा इमेज यूज होगा, 1/v+ होगा या 1/v- होगा, बताओ बताओ बताओ, लेंस नहीं है ना ये, तो 1/v+ 1/u=1/f। तो 1/v कितना आ गया, 1/v+-30=1/-20, ये उस तरफ जाएगा तो 1/v क्या बन जाएगा, -1/20+1/30, तो ये बन गया 60। ये जो ट्रिक्स बता रहा हूँ ना मैं सारी की सारी, आज की डेट नोट कर लो जिस दिन ये अपलोड हुआ है, आज के बाद मिलेगी आपको इस, आज से पहले कोई मिलेगी ही नहीं ट्रिक्स, कि ये सब मेरी खुद की बनाई हुई है, तो खुद कहाँ से मिलेगी, मतलब किसी बुक से मारी हुई नहीं है ये, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, -3+1+2, तो -1/60, तो वी कितना आ गया, -60 आ गया पहली बार, तो वी आ गया -60, ठीक है ना। इसको अलग पेन से कर लेते हैं, इसी पेज पे कर लेंगे, ठीक है ना। तो वी आ गया -60, यू कितना है -30, वी कितना है -60। तो आप मैग्निफिकेशन एम निकाल के रखो और वो एम स्क्वायर वाला निकाल के रखो, चाहे तो इसको आप वहीं पे एम और एम स्क्वायर बोल दो, एम बोल दो और एम स्क्वायर, क्योंकि ऐसे जब होता है तब तो एम स्क्वायर लगता है और ऐसे जब होता है तो एम लगता है, ठीक है। तो वी कितना है -30, यू कितना है, तो एम कितना हो गया। अच्छा लेंस में इक्वेशन नेगेटिव होता है, मैग्नीफिकेशन में सब कुछ सही चलता है, यहाँ पे क्या होगा, इक्वेशन में पॉजिटिव है मतलब बाकी सब जगह नेगेटिव चलेगा, तो नेगेटिव ऑफ -60 और -30 मतलब कितना हो गया -2, एम स्क्वायर कितना हो गया -4, क्योंकि स्क्वायर करके तो -4, इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला कौन सा 2 वाला है। अब समझो वेलोसिटी के अंदर मैग्नीफिकेशन क्यों लगता है, आप सोचो कि ऑब्जेक्ट यहां से यहां गया हल्का सा, मतलब इमेज भी यहां से यहां मूव करी, तो ऑब्जेक्ट की लेंथ ही मान लो आप इतनी है, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं। जैसे ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां जा रहा है ना छोटा सा, तो पहली बात तो इमेज कहाँ बनेगी, यहां बनेगी, ये तो 30 है, इमेज कहाँ बनेगी, 60 पे बनेगी पहली बात तो, ठीक है ना। ज्यादा बड़ी इक्वेशंस लिखते हैं अपन, डिफरेंशिएशन विफरेंशिएशन करके कुछ नहीं लिखते अपन, बहुत सिंपल रखते हैं चीजों को। तो इमेज यहां बनेगी पहली बात तो 60 पे बनेगी, आ गया वी इक्वल टू -60, पहली बात तो इस तरफ बनेगी। अब क्या होगा कि ये 30 है ये 60 है, तो ये अगर यहां पे इसको लगाते हैं, यहां से यहां मूव करा, मतलब मैं छोटा सा साइज मान सकता हूं ना उसको, डीएक्स मान सकता हूँ ना मैं डीएक्स, तो यहाँ से यहाँ वो डीएक्स ऑफ इमेज बन जाएगा, समझ लो क्या बोल रहा हूँ भाई, 0.001 सेकंड में थोड़ा सा मूव करेगा, उसको मैं डीएक्स बोल दूंगा कि वो लेंथ ही है, उसका मैग्निफिकेशन भी एक लेंथ बन जाएगा ना, ठीक है। तो ये मैग्निफिकेशन अपना वेलोसिटी ऑफ इमेज अपॉन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट भी हो जाता है। अब वर्टिकल में कौन सा होगा, ये -2 है, वर्टिकल में कौन सा होगा, ये -2 है, तो ये ऊपर जा रहा था तो -6 नीचे आ जाएगा वर्टिकल में, तो ये 6 नीचे आ जाएगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में ये 4 था ना, तो 4 4 या 16, और नेगेटिव है मतलब ये इस तरफ जा रहा था, मतलब ये इस तरफ जा रहा था, तो उल्टा होके उस तरफ चले जाएगा, मतलब उस तरफ चले जाएगा 16 से। तो जो इमेज आ रही है वो कैसे आ रही है, 6 इस तरफ और 16 इस तरफ, हो गया खत्म कहानी, हो गई ये इमेज वेलोसिटी ऑफ इमेज है। इसको लिख दो -16i कैप और -6j कैप, हो गया ये वेलोसिटी ऑफ इमेज हो गई, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। अब मिरर अगर मूव कर रहा होता तो मिरर के रेस्पेक्ट में निकाल के अपन कैलकुलेट कर लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं होती, ठीक है ना। तो मैं समझा देता हूँ क्या बोलना था पूरा के पूरा।
कि भाई मैग्नीफिकेशन दो तरह के होते हैं, एक तो होता है अलोंग, एक होता है परपेंडिकुलर। जो परपेंडिकुलर वाले होते हैं मैग्नीफिकेशन, उसका फॉर्मूला होता है वी बाई यू और माइनस वी बाई यू। ये किस में आता है? लेंस में। ये किस में आता है? मिरर में। और जो इसके अलोंग होता है उसका एम स्क्वायर लिख लो उसको आप, तो वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर होता है, माइनस ऑफ वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर होता है। ये किस में आएगा? लेंस में। और ये किस में आएगा? मिरर में। सिंपल है ना? क्यों आएगा? वो अपन कर चुके ऑलरेडी। और यही अपनी वेलोसिटीज होती है, मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज अपॉन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब अगर ऐसे मूव कर रहा होगा तो। और ये होगा अपना वेलोसिटी ऑफ इमेज अपॉन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अगर ऐसे मूव कर रहा हो तो। हो गया खत्म। अब इसमें सारे प्रॉब्लम्स आप कर सकते हो। तो ये अपने लेंसेज और मिरर से कुछ एग्जाम्पल्स थे। रिफ्रैक्शन की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। अब रिफ्रैक्शन में बच्चे वापस से गड़बड़ करते हैं, सर वो म्यू वन अपॉन म्यू टू होता है, म्यू टू। अरे सिंपल है, म्यू इंटू साइन थीटा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये याद रखो। म्यू इंटू साइन थीटा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये याद रखो। अब कितने भी लेयर्स हों बच्चों, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ से यहाँ लगा दो सीधा, ये म्यू वन है, ये म्यू टू है, ये म्यू थ्री है, ये म्यू फोर है, ये म्यू फाइव है, कुछ भी लगा दो। जैसे रे यहाँ से आ रही है, थीटा फाइव एंगल है, तो कुछ भी होगा अंदर, कुछ कैसे भी जा रही होगी, मतलब स्ट्रेट स्ट्रेट फिर स्ट्रेट फिर स्ट्रेट। तो यहाँ पे जब निकल रही होगी, अगर म्यू फोर है, ये थीटा फोर है, तो आप क्या लिखोगे? म्यू फाइव इंटू साइन ऑफ थीटा फाइव, ये कॉन्स्टेंट है, इज इक्वल टू म्यू फोर इंटू साइन ऑफ थीटा फोर। हर बार नहीं करना आपको, सीधा फर्स्ट से लेकर एंड तक लगाओ। मैं जेई एडवांस का एक और सवाल लेता हूँ। जेई एडवांस में एक सवाल पूछा गया था कि भाई म्यू जो है वो वेरी कर रहा है, एग्जैक्ट तो मुझे पता नहीं, बट ऐसा कुछ वेरी कर रहा है, जैसे ये अपना एक्स एक्सिस है तो म्यू वेरी कर रहा है, वन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन टू मान लो जैसे, तो म्यू क्या है? चेंज हो रहा है। तो एक लाइट को यहां से फेंका अपन ने, 45 डिग्री एंगल मान लो, तो ऑब्वियसली म्यू चेंज हो रहा है। अच्छा बच्चों को ये भी कंफ्यूज होता है, सर म्यू बढ़ेगा तो नॉर्मल के पास जाएगा। मैं इसको बात करता हूँ ऑफिस की तरह, जैसे समझ लो कि जैसे मान लो एक रे है, म्यू वन है म्यू टू है। अब मान लो म्यू वन अगर बड़ा है ना म्यू टू से, पहले अपन उल्टा केस ले लेते हैं कि म्यू टू बड़ा है म्यू वन से, म्यू टू अगर बड़ा है म्यू वन से, तो रे अगर ऐसे जा रही थी तो समझो म्यू टू बड़ा है, मतलब उसका प्रमोशन हो गया। प्रमोशन ये बॉस है उसका, नॉर्मल उसका क्या है? बॉस है, समझ रहे हो? नॉर्मल उसका बॉस है, प्रमोशन हो गया तो बॉस के और करीब आ रहा है। बॉस तो मेरा अच्छा है काफी, मेरा प्रमोशन कर दिया तो बॉस के और करीब आ गई, ठीक है ना? वैसे तो म्यू साइन थीटा से भी कर सकते हो, बट और भी चीजें बना के रखो जिससे कनेक्ट कर सको एग्जाम में, और उल्टा हो जाएगा। अगर ये म्यू वन है, ये म्यू टू है, म्यू वन अगर बड़ा होगा, अरे तो बड़े मीडियम से छोटे मीडियम में जा रही हूं मैं, तो मेरा डिमोशन हो गया ना, कोई सेक्रेटरी मान लो, बॉस की सेक्रेटरी मान लो, या फिर कोई है ना ऐसे एम्प्लॉय मान लो, तो मेरा तो डिमोशन हो गया, अरे बॉस गंदा है मेरा, गालियाँ पड़ेगी बॉस को, बहुत है ना, दूर चले जाएगा, सिंपल है ना? तो यहाँ पे समझो, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो म्यू बढ़ रहा है, वाई, ये वाई एक्सिस है अपनी, तो वाई के साथ साथ म्यू बढ़ रहा है, तो ये नॉर्मल से और करीब होता जाएगा रे, और करीब होती जाएगी रे, ऐसी जाएगी। तुमको बताना है कि इस पॉइंट पे, मतलब जैसे मान लो वाई इज इक्वल टू टू पे एंगल बताओ जो ये वर्टिकल के साथ मेक कर रही है। तो अपन को बीच में कुछ नहीं करना, अपन को सीधा उठाना है कि y इक्वल टू टू पे म्यू कितना हो जाएगा, पहले तो ये बताओ म्यू कितना हो जाएगा y इक्वल टू टू पे? वन प्लस टू स्क्वायर अपॉन टू मतलब कितना हो गया? वन प्लस टू मतलब कि थ्री हो गया, ठीक है ना? तो यहाँ पे म्यू कितना है? थ्री है। तो अपन को सीधा देखना है, अपन को सीधा यहाँ से वहाँ पे कनेक्ट कर देना है कि म्यू साइन थीटा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब म्यू इंटू, यहाँ पे तो म्यू वन है क्योंकि वाई का वैल्यू जीरो है, तो यहाँ पे म्यू वन है, तो वन इंटू साइन ऑफ 45 डिग्री, दिस विल बी इक्वल टू, वहाँ का म्यू कितना है? थ्री इंटू साइन ऑफ थीटा, थीटा निकालना है ना अपन को, थीटा ये वाला निकलेगा अपना वर्टिकल के साथ, तो साइन थीटा निकलेगा, साइन थीटा ये कितना है? वन इंटू वन अपॉन रूट टू इज इक्वल टू थ्री साइन थीटा, तो साइन थीटा कितना हो गया अपने पास? वन अपॉन थ्री रूट टू। तो आईआईटी में थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, बट कंसेप्ट यही था, मैंने एग्जैक्ट वैल्यूज कुछ 1/3 करके था, तो वो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना? ये हो गया। अब एक होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसके लिए भी फॉर्मूला याद नहीं करते बच्चों, सिंपल है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? पहली बात तो ऐसे जाके रे ऐसे जा रही है, ये थीटा क्रिटिकल होता है, अब ऑब्वियसली दूर भाग रही है, इसका मतलब उसका म्यू कम किया गया है, मतलब ये म्यू वन अगर म्यू टू है तो म्यू टू इज लेसर देन म्यू वन। ये जिंदगी भर ट्रिक्स आ रही है, सब में लिख लो, जिंदगी भर याद रहेगा आपको, जिंदगी भर ये गारंटी, ये 90 डिग्री है। तो आप क्या लिखोगे? म्यू साइन थीटा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब म्यू वन इंटू साइन ऑफ थीटा सी इज इक्वल टू म्यू टू इंटू साइन ऑफ 90, तो साइन 90 तो 1 होता है, तो बस साइन ऑफ थीटा सी इज इक्वल टू म्यू टू बाई। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि कई बार है ना दोनों मीडियम का म्यू पूछते हैं, आपको तो याद है साइन थीटा इज इक्वल टू 1/μ, बट दोनों मीडियम का पूछोगे आप कंफ्यूज हो गए कि कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये सिंपल है, म्यू साइन थीटा इक्वल टू कॉन्स्टेंट बना लो। अब यहाँ पे भी एक क्वेश्चन आता है कि है ना भाई, जैसे मान लो ग्रीन लाइट है, कि ग्रीन लाइट का जस्ट हो रहा है क्या हो रहा है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये ग्रीन लाइट है, मैं बनाई देता हूँ ना कलर से अपने पास, तो बना ही लेते हैं अपन, ठीक है ना? तो जैसे ये ग्रीन ले लेते हैं अपन, तो ग्रीन लाइट का जस्ट हो रहा है टी आई आर, यस है।
अब बताओ ऊपर कौन सा निकल जाएगा और नीचे कौन सा आएगा, रेड ऊपर निकलेगा कि नीचे जाएगा, वो सब अपन को करना है। तो पहले तो अपन कर लेते हैं कॉची फॉर्मूला। कॉची फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी बाय लैम्डा स्क्वायर। म्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी बाय लैम्डा स्क्वायर, ये कॉची फॉर्मूला एक्चुअली आगे भी चलता है सी बाय लैम्डा की, बट काम का मतलब है कि जिसका लैम्डा ज्यादा उसका म्यू छोटा, या जिसका लैम्डा छोटा उसका म्यू बड़ा। अब बच्चों को यहां भी कंफ्यूजन होता है आप लोगों को कि लैम्डा किसका, तो मैं जिंदगी भर याद करवा रहा हूँ आपको सारी चीजें, है ना, कि भाई लैम्डा किसका छोटा। तो मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ बच्चों को, सी जी एस यू वी आई एम आर, देखो याद करना कितना आसान है, सी जी एस यू वी आई एम आर, सी जी एस यू वी आई एम आर, सी जी एस यू वी आई एम आर, याद हो गया। अब आपको ये और देख, सी मतलब कॉस्मिक, ये भी बताना पड़ेगा ना, सी मतलब क्या है, तो कॉस्मिक, जी मतलब गामा, एस मतलब, एस रेज कुछ नहीं होता बट एक्स रेज होता है, यू मतलब अल्ट्रावायलेट, वी मतलब विजिबल, आई मतलब इंफ्रारेड, एम मतलब माइक्रोवेव्स, मतलब माइक्रो का नाम माइक्रो है बट एक्चुअली माइक्रो बहुत बड़ी वेवलेंथ है, आर मतलब रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स, ठीक है ना। अब ये भी पता करना है कि भैया लैम्डा किसका बड़ा है और किसका कम है, तो इसको कैसे याद रखेंगे, देखो समझो इस चीज को कैसे याद रखेंगे। वेव ऑप्टिक्स में आप बाद में कंसेप्ट पढ़ोगे कि जितना लाइट का लैम्डा होगा वो उतने ही बड़े ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट करेगी, समझ रहे हो भाई, जो एक्सरेज है उसको हम यूज करते हैं ना, एक्सरे हमारे बॉडी के शरीर में एक्सरे निकालने में, है ना, गामा रेज हमारे सेल्स के अंदर जाके म्यूटेशन करवा देता है, रेडियो एक्टिव गामा रेज कब निकलता है, जब न्यूक्लियस है ना। रेडियो वेव्स के लिए आपको एंटीने बड़े बड़े लगाने होते हैं, तो रेडियो वेव्स का लैम्डा बड़ा है, इसका लैम्डा छोटा है, तो लैम्डा का इंक्रीजिंग साइज ये है, ये याद रहेगा जिंदगी भर। कुछ बच्चों को ऐसे भी याद रहता है, सर मैं ऐसे याद रखता हूँ कि अल्ट्रावायलेट विजिबल और इंफ्रारेड में ना रेड का वेवलेंथ ज्यादा है, हाँ वो भी याद कर सकते हो और कनेक्ट कर दो दोनों को, जिंदगी भर याद कर लो, भूल जाओ आज के बाद रिवीजन की जरूरत ना पड़े, भूल जाओ, ठीक है, समझ में आ रही है बात। चलो आगे देखते हैं क्या है, तो कॉची फॉर्मूला भाई साहब क्या बोलते हैं कि जिसका लैम्डा छोटा, जिसका लैम्डा छोटा उसके लिए म्यू बड़ा। तो अगर मैं बात करूं विबग्योर की, है ना, यहीं पे बात कर लेते हैं, तो विजिबल, तो अल्ट्रावायलेट था, फिर विजिबल के अंदर क्या आ रहा था, विबग्योर, विबग्योर, फिर यहां पे इंफ्रारेड आ रहा था, तो ये इंक्रीजिंग लैम्डा है, तो ये तो ग्रीन है। अब मैं अगर रेड और वायलेट की बात करूं, तो रेड का लैम्डा ज्यादा है, तो ये अपन लिख लेते हैं यहां पे कि लैम्डा किसका कम है, लैम्डा किसका कम है, रेड का, रेड, अरे यार ये होता है कभी कभी, है ना, छोटा मोटा बात है, रेड का लैम्डा कम है तो रेड का म्यू ज्यादा रहेगा। अब जितना, तो ये तो वन मान लो, इसको इसको म्यू मान लो, अब जितना ज्यादा म्यू होगा उतना ज्यादा भाई डेविएट कौन करवा रहा है अपन को, म्यू करवा रहा है ना, जितना ज्यादा म्यू का अंतर होगा, ये तो बाहर वन है, ये पानी, ये नीचे म्यू, भाई नीचे वाला म्यू मीडियम ज्यादा रहेगा ना, म्यू वन बड़ा रहेगा ना, तो डेविएशन किसकी वजह से होगा, म्यू की वजह से, तो इसके म्यू की बात कर रहे हैं अपन। तो डेविएशन ज्यादा कब होगा, जब म्यू ज्यादा होगा, तो रेड के लिए म्यू ज्यादा है तो रेड ज्यादा डेविएट होगा, मतलब रेड ऐसे आ जाएगा, वॉयलेट जो होगा वो ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। तो ये अपने वॉयलेट भी थी, रेड भी थी, इसमें समझ में आ रही है बात, इसमें तीनों लाइट थी। ग्रीन का अगर टी आई आर हो रहा है, इफ ग्रीन सफर्स टी आई आर, इफ ग्रीन सफर्स टी आई आर, देन रेड, इफ ग्रीन सफर्स क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल, देन रेड सफर्स टी आई आर एंड वॉयलेट ऊपर से निकल जाएगी। आगे चल लेते हैं, बाद में प्रिज्म आएगा आपके, तो प्रिज्म में भी देख लो, फिर याद करना बड़ा आसान हो गया कि डेविएशंस होते हैं ना, रेज अपनी डिवाइड होती हैं बहुत सारी रेज के अंदर, तो तीन ही रेज ले लेते हैं अपन भाई। म्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी बाय लैम्डा स्क्वायर होता है, तो लैम्डा किसका बड़ा है, लैम्डा बड़ा किसका है, रेड का, तो म्यू छोटा हो जाएगा, लैम्डा छोटा किसका है, वॉयलेट का, तो म्यू इसके लिए बड़ा। अब प्रिज्म का काम है डेविएट करवाना, जितना म्यू होगा उतना डेविएशन होगा, तो म्यू ज्यादा किसका है, वॉयलेट का म्यू ज्यादा है, तो सबसे नीचे कौन आएगा, वॉयलेट, ऊपर क्या आएगा, रेड, बीच में आएगा ग्रीन, तो विबग्योर ऊपर चलता है, विबग्योर, विबग्योर, ये हो गया जिंदगी भर याद आपको, जिंदगी भर याद हो गया आपको। तो ये चीजें करनी होती है, आप सोचते हो कि आईआईटीएंस जो होते हैं बहुत मेहनत करते हैं, देखो बाकी लोग करते होंगे मुझे नहीं पता, मैंने ज्यादा मेहनत नहीं की थी, मतलब मेहनत की थी, लेक्चर भी सारे देखे थे, देखो 10-10 घंटे के ऑप्टिक्स के हमारे भी हुए होंगे, लगभग 6 लेक्चर हुए होंगे 3-3 घंटे के, क्वेश्चंस वगैरह सब करवा के, तो लेक्चर्स तो होते हैं लंबे लंबे, बट यार उसको फिर ना रिमेंबर करना होता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर नहीं करोगे तो फिर क्या होगा, और रिमेंबर भी ऐसा करना होता है कि माइनस प्लस की गलती ना हो, तो ये मैंने आपको जिंदगी भर रिमेंबर करवा दिया है। और देख लेते हैं,
एक आपके कंसेप्ट होता है मिरर्स में, रोटेशन का कंसेप्ट होता है। रोटेशन में याद नहीं रहता कि जैसे अगर मैं मिरर को रोटेट करूंगा थीटा एंगल से तो रिफ्लेक्टेड रे कितने एंगल से रोटेट होगी। इफ मिरर रोटेट्स बाय थीटा देन रिफ्लेक्टेड। अब ये याद था मुझे कि भाई टू थीटा होता है, रिफ्लेक्टेड रे रोटेट्स बाय टू थीटा। बट मैं चाहता हूं जिंदगी भर याद करना, मैं समझो इस चीज को, मैं चाहता हूं कि इसके बाद रिवीजन का मौका मिलेगा भी नहीं और करूंगा भी नहीं। रिवीजन होता ही नहीं है फिजिक्स में तो कुछ कम से कम। ये मान लो जैसे मैं ये मोबाइल ले लेते हैं, अब आप ये सिंपल सा फंडा है, जैसे रे अगर ऐसे आएगी तो वापस ऐसे जाएगी। अब मोबाइल को अगर मैंने 45 डिग्री से घुमा दिया तो जो ऐसे आ रही थी वो ऐसे जाएगी ना। इसका मतलब पहले जो रिफ्लेक्टेड रे थी वो ऐसे थी, बाद में रिफ्लेक्टेड रे ऐसे हो गई। मतलब मोबाइल को अगर मैं 45 से घुमाऊंगा तो रिफ्लेक्टेड रे 90 से घूम गई। इसका मतलब मोबाइल को अगर 40, ये मुझे आज भी याद है, मैं नहा के आया था एक दिन, मेरे को याद है। और मैं पूजा किया करता था रोज हनुमान जी की, तो मैं पूजा कर रहा था और मैं सोच रहा था दिमाग के अंदर, मतलब हनुमान जी की जो पूजा है ठीक है ना, जो अपनी होती है हनुमान चालीसा, वो मैं कर रहा था। बट हनुमान चालीसा में दिमाग नहीं लग रहा था, दिमाग इसी में लग रहा था कि। तो मैं एक टिप और देना चाहता हूँ बच्चों आपको, बच्चे पूछते हैं सर वो मोटिवेशन गायब हो जाता है। देखो एक कंसेप्ट होता है मेडिटेशन का, बच्चे पूछते हैं आप मेडिटेट किया करते थे। मैं मेडिटेट नहीं किया करता था, मैं गोल, दो तरह के मेडिटेशन होते हैं, कुछ गोललेस मेडिटेशन। तो मैं सर्टिफाइड योगा टीचर भी हूँ, मैंने सांता क्रूज में एक योगा इंस्टीट्यूट है वहाँ से योगा कोर्स करा हुआ है। मैं योग के भी तीन चार चीज़ें होती हैं, एक होता है व्यायाम मतलब योगासन फिजिकल एक्सरसाइज, एक होता है, तीन कंसेप्ट होते हैं, एक होता है प्राणायाम जिससे आप अपनी एनर्जीज को कंट्रोल करते हो, उसी का फिर क्रिया योग होता है जिसमें आप अपने चक्रास को कंट्रोल करते हो, और तीसरा होता है मेडिटेशन जिसमें आप जीरो हो जाते हो। तो मैं जनरली जीरो ही रहता हूँ क्लास में, जब एंटर करता हूँ मुझे कुछ याद नहीं रहता, तो मुझे कुछ याद ही नहीं है, इसलिए मेरी फिजिक्स स्ट्रांग है। फिजिक्स तब आपकी स्ट्रांग हो जाएगी जब आप बोलोगे अब मुझे रिविजन करने का, आई डोंट वॉन्ट एनी रिविजन, आई डोंट वॉन्ट एनी रिविजन, देन फिजिक्स विल बिकम स्ट्रांग। बच्चे मुझसे कमेंट कर रहे थे कि सर फिजिक्स को स्ट्रांग कैसे बनाए, फिजिक्स तब स्ट्रांग, मतलब मैं बोलूंगा जिंदगी भर याद, जिंदगी भर याद तो फिजिक्स आबाद, यह भी बनाया है फिजिक्स आबाद, ये अपन ऐसे कर लेंगे ठीक है। आई डोंट वॉन्ट एनी रिलीजन ठीक है। तो गोललेस, एक होता है गोललेस मेडिटेशन, बट आपका तो गोल है आईआईटी या फिर जेई। तो मैं बच्चों को बोलता हूँ आप क्या करो, एक ए फोर साइज का पेपर ले लो, उस पर बड़ा बड़ा लिख दो जेई, और उसको अपनी स्टडी टेबल के सामने लगा दो। आपको कुछ नहीं करना, किसी भगवान को मानते हो तो मानो ठीक है, अच्छी बात है, बट आप उस जेई को ही 5 मिनट देखो बस बैठ के, जब भी आपको मोटिवेशन है बस देखो, कुछ सोचो ही मत, बस जेई को देखते रहो। उसको देखते रहोगे ना तो एक होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उसमें क्या होगा कि आपका अपने आप ही ना सारी, वो होता है ना शाहरुख खान का डायलॉग, यदि किसी दिल को, यदि किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने में लगा देती है ना। इतनी शिद्दत से उसको पाने की कोशिश की है कि सारी कायनात ने उसको मिलाने की साजिश की है। तो वो फंडा है कि यदि किसी दिल चीज को पूरी शिद्दत से चाहो, पूरे दिल से चाहो, तो पूरी कायनात, पूरी यूनिवर्स आपको, तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो इसको बस देखो आप, उल्टा का मत सोचो कि होगा या नहीं, बस इसको देखो, खत्म। देखना है आपको, बाकी सब अपने आप अलाइन हो जाएगा है ना, अलाइन हो जाएगा। अगर आप नीट के हो तो आप ना ऐसे डाल दो, क्या डालोगे आप, एम्स दिल्ली डाल दो और इसको लगा लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप ना कितना उसको फॉलो करते हो, स्ट्रेटेजी तो मेरे पास बहुत है, मैं चाहूँ तो रोज 10 10 घंटे स्ट्रेटेजी बोल सकता हूँ 1 साल तक, बट उसमें अप्लाई कितनी होगी वो इंपॉर्टेंट है ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं, फिर हम देखते हैं आगे क्या करना है हमको ऑप्टिक्स में। तो हम कहाँ पहुँच गए थे, हमने कुछ बीच में छोड़ दिया था, मिरर रोटेट्स बाय थीटा, रिफ्लेक्टेड रे रोटेट्स बाय टू थीटा ठीक है ना। तो ये अपन कर चुके थे यहाँ तक, तो रिफ्लेक्शन हो गया अपन, और देख लेते हैं क्या क्या है। हाँ एक होता है आपका नंबर ऑफ इमेजेस, तो नंबर ऑफ इमेजेस के लिए आपको है ना बहुत सारी चीजें याद रखनी होती है। मैं सिंपल सा फंडा याद रखता हूँ, जैसे 1 2 1 2 का 4 4 2 का 1 होता है ना, वैसे ही इवन का ऑड और ऑड का इवन ऑड है ना। अब इसमें भी ऑड का इवन और इवन का ऑड इवन नहीं कर दो, इसके लिए कैसे याद रखेंगे अपन, ई पहले आता है कि ओ पहले आता है, एबीसीडी लिखते हो तो ई पहले आएगा बाद में आएगा ना ओ, एबीसीडी ई फिर बाद में, तो ई से चालू करेंगे तो इवन का ऑड, ऑड का इवन ऑड, इसका मतलब क्या हुआ सर, इवन का ऑड, जैसे मान लो आपका 360 बाय थीटा इवन आ रहा है तो आप आंसर ऑड आएगा, आपका आंसर आपका हमेशा ऑड आएगा। जैसे मान लो थीटा आपका 60 डिग्री है तो ये आपका 6 आएगा, तो आपकी नंबर ऑफ इमेजेस क्या आएगी, 5 आएगी, 5 क्यों आएगी, 6 -1 आ जाएगी। एक्चुअली इसका कंसेप्ट है क्योंकि जो
इमेज है वो कोइंसाइड कर जाएगी, तो इसका वैसे भी कंसेप्चुअली याद कर सकते हो। तो दोनों चीजें मिला दो। देखो एग्जाम में श्योरिटी आती है, मतलब मैं तो पेपर 2 घंटे में फिनिश करके रिविजन जब करता था श्योरिटी आती थी मेरे को, मेरे बात ही तो आता ही नहीं था मेरे को कि मतलब बाकी नहीं आता, तो वो भी आपसे अभी बहुत वो है, मतलब ऑल इंडिया अगर 582 रैंक है मेरी तो उसके 6 लाख लोगों में थी, 9 लाख में 900 हो जाएगी, इससे ज़्यादा क्या आएगी, ठीक है ना। तो इवन का ऑड, ऑड का इवन ऑड, ऑड जैसे अगर मान लो 360 अपॉन 72 लेंगे क्या, 72 का कितना हो जाएगा, अरे यार मतलब डिवाइड बाय 7 ही कर दो इसको, तो 7 से जाएगा नहीं, डिवाइड बाय 15 कर दो इसको, चलो 15, तो 15 2 जा 30 और 15 4 जा 24 है ना, तो एंगल मान लो 24 डिग्रीज है ना, तो 24 डिग्री है, तो आंसर क्या आएगा, 15 आएगा, आंसर क्या आएगा, 15। 15 क्या है, ऑड नंबर है, तो ऑड में दो केस होंगे कि ऑड का इवन ऑड। अब ये भी आपको समझ में आना चाहिए कि कौन कौन से केस, तो एक तो 15 होगा, एक 14 होगा, ठीक है ना, और 14 कब होगा, सिमेट्रिक कंडीशन में 14 होगा, नॉन सिमेट्रिक में 15 हो जाएगा। अभी जिंदगी भर है ये आप भूल जाओ, है ना। अच्छा इवन का ऑड, ऑड का इवन ऑड, ये कैसे याद रखोगे, इवन पहले आता है कि ABCD में ई पहले आता है, तो इवन का ऑड, ऑड का इवन ऑड, तो इवन का ऑड कैसे हो गया कि इवन 60 डिग्री है, समझ में तो आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं कभी कभी बहुत फास्ट बोल देता हूँ, तो मैं थोड़ा स्लो के, मैं 2 3 लेवल स्लो के क्लास में पढ़ाता हूँ, तो अभी मैं शायद थोड़ा फास्ट हो जाऊंगा, तो समझो उस चीज को, उतना फास्ट नहीं है, समझो वापस से देखो, इसलिए PPT में शेयर कर रहा हूँ कि आप वापस से देख के वापस वीडियो देख सकते हो। तो 60 डिग्री है, तो क्योंकि फॉर्मूले याद करेंगे तो अप्लाई करोगे ना, अप्लीकेशन तो बात की बात है, फॉर्मूले पहले याद करो। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको अगर 11th 12th के सारे फॉर्मूले आते भी ना, किसी भी नोट्स में से, किसी भी के भी नोट्स उठा लो, NCERT उठा लो, SC में उठा लो, कुछ भी नोट्स उठा लो किसी के, तो भी आपके 50% मार्क्स वहीं गारंटी हो जाते हैं, आपको फॉर्मूले याद नहीं है सारे के सारे, मैं गारंटी बोल सकता हूँ। आप मुझे बता दो कि सर मैंने फॉर्मूले याद कर लिया सारे के सारे, तो मैं आपको वहीं लिख के दे दूंगा, 50% मार्क्स तो आपके कहीं नहीं जा रहे, तो ये पॉइंट है। फॉर्मूला भी ऐसा कि जिंदगी भर के लिए याद, आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला कैसे याद किया, तो 360 अपॉन 60 डिग्री, तो अब समझिए आप इस चीज को कि 360 अपॉन 60 डिग्री ये इवन आ रहा है ना, तो इवन का ऑड, ऑड बनाने के लिए प्लस व्लस तो करेंगे नहीं, प्लस क्यों करेंगे, माइनस ही करेंगे 5, और ऑड का इवन ऑड 24 डिग्री लिया तो 15 आंसर आ रहा था, 15 का आंसर 15 भी आएगा, 14 भी आएगा, सिमेट्री और नॉन सिमेट्री कंडीशन में, ठीक है। और कर लेते हैं मैग्निफिकेशन में, दिक्कत तो होती है कि सर मैग्निफिकेशन के 4 केस लेते हैं अपन, प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस टू माइनस टू, प्लस प्लस माइनस क्या बताता है, साइन क्या बताता है कि उल्टा हुआ कि नहीं, उल्टा या नहीं, और छोटा देन वन होगा तो स्मॉल हो गया, अब बड़ा देन वन होगा तो बिग हो गया, ये आपको याद हो गया, ठीक है ना। अब इसमें भी ऐसा नहीं है, जैसे मान लो मैं पूछूं आपसे कि प्लस हाफ है, तो प्लस हाफ की इमेज इरेक्ट होगी क्या, ऐसा नहीं है, ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, IT एडवांस वाले ऐसे घुमाते हैं आपको, अरे ऑब्जेक्ट ही आपने अगर उल्टा ले लिया, समझ रहे हो, तो इसकी जो इमेज बनेगी वो भी उल्टी बन जाएगी, वो छोटी बनेगी, ऑब्जेक्ट ही उल्टा है तो इरेक्ट होगी क्या, इरेक्ट नहीं होगी, इन्वर्टेड ही होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट इन्वर्टेड है, तो ये डिपेंड करता है कि भाई ऑब्जेक्ट इन्वर्टेड है कि नहीं है, तो ऑब्जेक्ट के रेशियो में, मतलब प्लस जो है वो ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इन्वर्ट हुआ कि इरेक्ट हुआ, वो इंपॉर्टेंट होता है। अगर ऑब्जेक्ट इन्वर्टेड ले लिया तो जो इमेज होगा वो इन्वर्ट होगा, ये मैंने मैग्निफिकेशन को पॉजिटिव मान के किया है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू पॉजिटिव मान के किया है मैंने, समझ रहे हो। तो मैं चारों केसेस ले लेता हूँ, जैसे मान लो ऑब्जेक्ट आपका ये है, तो ये कब होगा, ये कब होगा, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, और ये कब हो, छोटा, अरे छोटा उल्टा कब होगा, तो ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, ठीक है ना, तो ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, तो ये कब होगा, ये देखो सीधा रहा तो ये +2 होगा फॉर एग्जाम्पल, ये -2 होगा, उल्टा भी हो गया -2 होगा, ये प्लस हाफ होगा फॉर एग्जाम्पल, और ये माइनस हाफ हो जाएगा, तो ये अपना फंडा हो गया, ठीक है बच्चों, चले आगे। तो ये हो गया मिरर्स। अब हम बात कर, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज हमने बात कर ली है, अब हम बात करते हैं एपरेंट डेप्थ की, एपरेंट डेप्थ और बात कर लेते हैं एक बार। एपरेंट डेप्थ में अब देखो मैं बताता हूँ क्या दिक्कत है, अभी अगर आपने रे ऑप्टिक्स पढ़ा है ना केवल, तो फिर भी आपको फॉर्मूला याद है, बट जब आप वेव ऑप्टिक्स पढ़ते हो तब एक और फॉर्मूला आता है, मैं बड़ा कन्फ्यूज हो गया था जब मैंने पढ़ा था। तो रे ऑप्टिक्स में फॉर्मूला होता है टी इंटू वन माइनस वन अपॉन म्यू, और वेव ऑप्टिक्स में होता है म्यू माइनस वन इंटू टी, ठीक है, ये किसका होता है, पाथ डिफरेंस का, जब आप YDSM में निकालते हो ना, पाथ डिफरेंस से फेज डिफरेंस, और ये किसका होता है, शिफ्ट का,
तो वापस से कंफ्यूजन है, कंफ्यूज नहीं हो, जिंदगी भर याद करेंगे, आज याद करके भूल जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में गलतियां करते हैं बच्चे। देखो मेरे को हो चुका है 10 साल का एक्सपीरियंस, मुझे पता है एक एक बच्चे की कि क्या क्या गलती होती है, क्लास में बता देता हूँ क्या क्या गलती होती है। तो ये मत लगाना, ये बच्चे लगा के आ जाते हैं शिफ्ट, फिर बोलते हैं सर देखो ये भी तो, क्योंकि इसको कैसे याद रखते हैं, देखो μ 1 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव है तो शिफ्ट हो गई, और ये भी μ 1 से बड़ा है तो नीचे जाएगा तो छोटा हो जाएगा, तो ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी आ रही है, तो फॉर्मूले दोनों ही सही है, बट ये किसका पार्ट डिफरेंस का, ये किसका शिफ्ट का। तो कचरा इतना हो जाता है ना, कचरे को हटाते जाओ, कचरा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्मूथ चलना चाहिए, ब्लैंक होकर करो फिजिक्स एकदम, मतलब पेपर जाओ कुछ रिवीजन नहीं करना, कोई फॉर्मूला नहीं रटना। प्रोजेक्टाइल मोशन के ट्रिक्स मैंने बनाई दिया, पुली के ट्रिक्स बनाई दिया, मैंने थर्मो भी याद करवा दिया आपको, है ना। तो शिफ्ट का देख लेते हैं कैसे करना है हमको। अब बहुत आसान है, इसके लिए मैं बोलता हूँ जैसे जिंदगी भर की ट्रिक दे देता हूँ आपको, जिंदगी भर की ट्रिक। कुछ बच्चे ये भी भूल जाते हैं कि सर वो, मैं बताता हूँ लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ कर्मा। जैसे पहले तो मैंने कुछ फिश वाला प्रॉब्लम लेते हैं, बहुत क्लासिकल प्रॉब्लम है कि एक बर्ड उड़ रहा है ऊपर, एक फिश है नीचे, तो बर्ड का डिस्टेंस मान लो 9 मीटर्स है और फिश का डिस्टेंस मान लो 12 मीटर्स है, और पानी का म्यू तो अपन को पता ही होता है 4/3, तो बर्ड को फिश कितनी दूरी पर लगेगा, कि डिस्टेंस ऑफ बर्ड एज सीन बाय फिश कितना होगा, और डिस्टेंस ऑफ फिश एज सीन बाय बर्ड कितना होगा, ये अपन को निकालना है। डिस्टेंस ऑफ बर्ड एज सीन बाय फिश, इसको किसका डिस्टेंस निकालना है अपन को, बर्ड का डिस्टेंस, कौन देख रहा है, फिश। तो जब फिश देख रहा है ना भाई साहब, ये फिश है अपनी, ये मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ वो सब फंडा है। तो जब फिश देख रही है तो फिश का जो मीडियम है ये कौन है, बर्ड का विद रिस्पेक्ट टू फिश, कौन देख रहा है, फिश देख रही है। तो जब फिश देख रही है तब तो उसका 12 तो उसके पास ही रहेगा, प्लस 9 में बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर 9 को मैं मल्टीप्लाई बाय 4/3 करूं, डिवाइड बाय 4/3 करूं, क्या करूं। तो मेरा सिंपल सा है लॉ ऑफ कर्मा, जो जैसा होता है ना बच्चों दुनिया उसको वैसी दिखती है। आप अगर अच्छे हो दुनिया आपको अच्छी दिखेगी, आप अगर बुरे हो दुनिया आपको बुरी दिखेगी। आपका नेचर अगर करना, अरे मेरे मार्क्स तो पता नहीं क्यों नहीं आते, तो आपको वैसे ही लगेगा, आपको लगेगा कि मेहनत करने का फल मिलता है, तो आपको लगेगा जिस जिसने मेहनत की उसको फल मिला है। फिश का मीडियम क्या है, बड़ा है कि छोटा है, फिश कौन से मीडियम में, बड़े में कि छोटे में, बड़े में है। तो उसको जो 9 है, देखो फिश को अपना तो सेम दिखेगा, जिसमें वो है वो तो सेम दिखेगा, बट 9 वाली बात थी कि 9 को मल्टीप्लाई बाय 3/4 करूं, डिवाइड बाय 3/4, तो मैंने क्या बोला कि फिश जो है उसका मीडियम क्या है, बड़ा है, तो उसको 9 भी बड़ा होकर दिखेगा, मतलब उसको बर्ड के अंदर भी लगेगा बड़ी चीज है बड़ी भी, तो ये 4/3 आ जाएगा। तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 12 प्लस ये 3 3 जा, ये तो कर लो 4 3 24 आंसर आ जाएगा। डिस्टेंस ऑफ फिश विद रिस्पेक्ट टू बर्ड, बर्ड बर्ड में 9 तो ऐसे चीज दिखेगा उसको, बर्ड का मीडियम में तो कुछ चेंज ही नहीं होगा। अब फिश, फिश विद रिस्पेक्ट टू बर्ड, तो फिश को क्या देखेगा बर्ड, मतलब फिश विद कौन देख रहा है, विद रिस्पेक्ट टू का मतलब कौन देख रहा है, बर्ड देख रहा है। तो जो बर्ड देख रहा है वो कैसे देखेगा फिश को, बर्ड छोटे मीडियम में है समझो, तो ये जो फिश है उसको भी छोटा समझेगा, वो खुद छोटा है उसको भी छोटा समझेगा, तो 12 × 3/4 कहानी खत्म, झोला झटम, ये देख लो 4 3 9 9 8, ऐसी वेलोसिटीज, वेलोसिटीज भी आएगा, अगर बोला ये मूव कर रहा है ये मूव कर रहा है, तो वेलोसिटीज के अंदर भी वही मल्टीप्लिकेशन इफेक्ट। अब इसको भी आप भूल जाओ जिंदगी भर के लिए, ये आपको हो गई जिंदगी भर के लिए गारंटी है बच्चों मेरी, जिंदगी भर के लिए याद हो गया आपको ये। खैर हम शिफ्ट की बात करें तो शिफ्ट में देख लेते हैं अपन कि कैसे करेंगे, यहीं बना लेते हैं फिगर। तो जैसे मान लो कॉइन रखा हुआ है आपका बाल्टी के अंदर, आपको पता है ना, आप अगर ऊपर से देखते हो, क्योंकि चीजें तो वही है कि 4/3 से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, एग्जाम में क्या करते हो आप, वही तो गलती कर देते हो कि सर अरे डिवाइड करना था, मैं तो मल्टीप्लाई करके आ गया, है ना। तो लॉजिक लगो, ऐसा कुछ करो कि जिंदगी भर याद, वो तो मैं करवा ही दूंगा आपको, है ना, जो भी चैप्टर बता देना मेरे को, सारी चीजें याद ही अपन को, तब की याद है अपन को, आईटी चाहिए। अब देखो अगर आप ये मान लो इसका डिस्टेंस डी है, या टी मान लो इसका थिकनेस, टी मान लो थिकनेस ऑफ प्रिज्म आपको वो देंगे ना, स्लैब देंगे, कॉइन जो है वो अंदर बड़े मीडियम में है, लेकिन जो इंसान है हम छोटे हैं, तो हमको छोटा दिखेगा वो, तो एक्चुअल तो क्या है, टी, और जो अपरेंट, अपरेंट मतलब हमको सीन है, सीन जो है हमको वो क्या है, टी अपॉन म्यू, ये म्यू है ना, ये 1 है ना, म्यू बड़ा होता है ना, तो छोटा दिखेगा हमको, छोटा दिखेगा मतलब म्यू से डिवाइड करेंगे, तो जो शिफ्ट हुआ वो क्या हो गया, मतलब टी बाय म्यू, कहीं तो यहाँ दिखेगा हमको थोड़ा, ये पता भी है अपन को कि कॉइन हमको थोड़ा सा ऊपर दिखता है, तो ये कितना है टी बाय म्यू, शिफ्ट कितना हो गया, टी माइनस टी बाय म्यू, मतलब कि टी इंटू 1/μ। कुछ बच्चों को एकदम हो जाता है अरे वाह भाई ये खुद से बनाओ, फिजिक्स में अगर आपको नंबर लाने, यू हैव टू बी लीडर्स ऑफ योर ओन डेस्टिनी, आपने देखा होगा है ना, फिजिक्स वाले लोग है ना अलग ही टाइप के होते हैं थोड़े से, बड़ी बड़ी जो कोचिंग है सब फिजिक्स वालों की है, जैसे मान लो आप कुछ
कुछ भी मान लो, मतलब सबकी सब अलग ही होते हैं। फिजिक्स में आपको पता होना चाहिए। तो एक अच्छा टीचर वही नहीं तो जिसको आती है, हमारे अंदर एक वो होता है कि जैसे फर्स्ट ईयर में पढ़ाना चालू किया तो मैं तो पढ़ा दिया करता था, फिर बच्चों से सवाल नहीं होते थे, बच्चों को समझ में आ गया सब कुछ, फिर सवाल नहीं होते थे। तो मैंने सोचा भाई उनको वो चीज़ें बताऊं कि भाई मैंने याद कैसे किया था। तो पहले मुझे हंसी आती थी कि अगर मैं ऐसे बताऊंगा बच्चे बोलेंगे अरे सर क्या बता रहे हो, अभी भी करते हैं क्लास वगैरह, सर क्या बता रहे हो, जैसे मैंने आपको ये बताया ना ये ऐसे याद कर लो, टॉप वाला रॉड वाला ये बताया था, ये टिप, ये टॉप याद कर लो कि 3 आ रहा है। तो बच्चे बोलते हैं क्लास में अरे सर क्या बताते रहते हो बच्चों वाली चीज़ें, फिर वही बच्चे गलती करके आते हैं, मेरे स्कोर में 12 लगा के आ जाते हैं। हॉलो का मैंने बताया देखो 3, सॉलिड का 5 है ना, ऐसे याद रखो, बच्चे बोलते क्या बता रहे हो सर, ठीक है ना। चलो तो कोई बात नहीं, अपन आगे चलते हैं। तो शिफ्ट ये याद रहेगा जिंदगी भर, है ना, ये जिंदगी भर याद हो गया, जिंदगी भर, जिंदगी भर। तो ये सब अपन ने करा हुआ है, अपने जो कोर्सेज हैं नीट के कोर्सेज हैं, जेई के कोर्सेज हैं, उसमें अपन ने सब करा हुआ है, तो देख सकते हो, है ना, ये करा हुआ है। अब क्या बच गया, शिफ्ट। हाँ तो शिफ्ट अब कैसे होगी, देखो समझो इस चीज़ को, जैसे अब इसमें कुछ याद नहीं रखना, अलोंग द रे होता है वो सब याद नहीं रखना। जैसे मान लो यहाँ पे कुछ रखा हुआ है, ये मान लो स्लैब है, मान लो 6 मीटर्स का, इसका म्यू मान लो 3 बाई, ग्लास का स्लैब है, तुम यहाँ खड़े हो, यहाँ से देख रहे हो तुम, ये डिस्टेंस भी मान लो 2 मीटर्स मान लो, और ये डिस्टेंस मान लो 4 मीटर्स और मान लो, तो एक्चुअल जो है वो तो कितना है, 6 12 मीटर्स का डिस्टेंस है। अब तुम ऐसे सोचो कि ये बाल्टी है पानी का, ये पानी का बाल्टी है, और इस तरफ यहाँ पे एक है ना कॉइन रखा हो, तो कॉइन आगे आके दिखेगा ना तुमको, ऊपर आके दिखेगा ना, तुम बना भी सकते हो। एक्चुअली मैं बनाया भी करता था, कि रे डायग्राम बनाया करता था मैं, एक एक का कैसे जा रहा है वो, नॉर्मल के पास भागेगा फिर नॉर्मल से दूर चला जाएगा, तो ये जो आती हुई दिखेगी यहाँ दिखेगी तो पास आ गया, ठीक है ना, वो सब बना भी सकते हैं, पर वो दिक्कत नहीं है। बट ऐसा भी कर सकते हो ना कि ये बाल्टी भरी हुई है पानी की, तो बाल्टी के ऊपर ही आके दिखेगी ना चीज़ें। तो शिफ्ट क्या होगा, शिफ्ट होगा 6 × 1 − 1/3/2, मतलब कि 6 × 1 − 2/3, मतलब कि 6 × 1/3, मतलब कि 2 का शिफ्ट हो गया, मतलब 2 कम हो जाएगा, मतलब आंसर क्या आ जाएगा, 10 मीटर की दूरी पे उसको दिखेगा, शिफ्ट 2 आना, मतलब कितना आ गया, गया। इसको अपन स्टेप वाइज भी कर सकते थे, वो दिक्कत नहीं है, वो छोड़ो ना उतना लंबा थोड़ी करो एग्जाम में, एग्जाम में टाइम कम होता है तुम्हारे पास बहुत है। शिफ्ट हो गया अपना, थोड़ा प्रिज्म कर लेते हैं अपन, प्रिज्म कर लेते हैं थोड़ा सा। प्रिज्म, प्रिज्म में क्या क्या होता है, ये एंगल ऑफ, एंगल होता है, ये आ रही होती है इंसिडेंट रे, ऐसे जाके ऐसे जा रही होती है। अब एक्चुअली एक ग्राफ होता है, ये बहुत सीबीएसई वालों को बहुत पसंद है ये ग्राफ, पूछते ही हमेशा कि ये डेल्टा और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ऐसा ग्राफ आता है इसका, ठीक है ना, ये डेल्टा मिनिमम है। तो हमको जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं हमको क्या करना होता है, हमको डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे लाइट को डालना होता है, एक्चुअली लाइट भी नहीं, वो दो नीडल्स लगाते हो तो, है ना, वो करना होता है, और फिर हमको देखना होता है कहाँ पे, तो जहाँ पे सबसे कम डेविएशन आता है ना उस पॉइंट को हम पकड़ते हैं, उस केस में जो आई होता है वो अपना आर के बराबर, या फिर बोलते हैं I1 I2 के बराबर है, इसको कुछ लोग I2 भी बोलते हैं, इसको I1 बोलते हैं, ठीक है ना, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो जब दोनों बराबर होते हैं तब ये स्ट्रेट बन जाता है, और तब डेल्टा मिनिमम वाली कंडीशन आती है। तो डेल्टा मिनिमम कब होता है, वैन I1 = I2, उस केस में R1 = R2 भी होगा, क्योंकि इनको कुछ फिर R1 और R2 बोलते हैं, इज इक्वल टू आर होगा, और उस केस में जो म्यू आता है वो कितना क्या आता है, साइन ऑफ। अब ये फॉर्मूला यार मुझे बहुत दिक्कत होती थी याद करने में, बहुत सही बता रहा हूँ, फिर मैंने सोचा कि सीधी उंगली से घी नहीं निकले, टेढ़ी उंगली से निकालो, साइन ऑफ A/2, ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है। अब इसको याद कैसे करेंगे, देखो समझो, म्यू जो है 1 से बड़ा ही होगा, तो 1 से बड़ा होगा तो आपको ये तो याद है, अपॉन टू गंदी गंदी चीजें हैं। एंगल्स कौन कौन से इन्वॉल्व है, एक तो ए इन्वॉल्व है मेन मेन एंगल, एक डेल्टा मिनिमम इन्वॉल्व है, साइन इंक्रीजिंग क्वांटिटी, कॉस होता तो उल्टा होता, कॉस होता तो नीचे आता है ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाय 2 और ऊपर आता है A/2, बस साइन तो इंक्रीजिंग है ना, साइन ऑफ 0 0 होता है, साइन ऑफ 91, साइन इंक्रीजिंग प्रॉपर्टी है। तो म्यू क्योंकि 1 से बड़ा है, ये भी जिंदगी भर याद हो गई, देखो अपन को जिंदगी भर ट्रिक, तो माई जिंदगी भर ट्रिक्स, ठीक है ना। तो 1 से बड़ा है म्यू, तो अगर 1 से बड़ा है म्यू तो ऊपर एडिशन आएगा नीचे कम आएगा। अब ये कन्फ्यूजन रहेगा कि सर साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा मिनिमम अपॉन 2 अपॉन साइन ऑफ डेल्टा मिनिमम अपॉन 2 क्यों नहीं है, ये कहां से अपन को याद रहेगा। तो इसके लिए क्या कर दो, इसके लिए म्यू को एक बार, है ना, 1 मान लो, म्यू 1 होगा तो डेविएशन ही नहीं होगा ना, समझ रहे हो, डेल्टा क्या है, डेल्टा डेविएशन है, डेल्टा ये एंगल है, डेल्टा मतलब डेविएशन, भाई म्यू 1 होगा मतलब हवा भी वही है, प्रिज्म भी वही है, सब कुछ वही है ना, जो बोलता है ना वो जाकिर खान, हम भी वही हैं तुम भी वही हो, तो रे स्ट्रेट निकलेगी, डेविएशन 0 होगा, तो जब म्यू 1 होगा तो डेविएशन कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए,
डेविएशन कितना आना चाहिए, जीरो। तो डेविएशन अगर जीरो आएगा तो ये चीज़ जीरो हो जाएगी, तो ये चीज़ जीरो, तो फिर ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना, समझ रहे हो? तो इसलिए ये पूरा ये फॉर्मूला नहीं होगा। तो इसलिए कौन सा फॉर्मूला हो गया, इसलिए फॉर्मूला हो गया देयर फोर द फॉर्मूला इज म्यू। म्यू क्या होता है, वन से बड़ा, तो ऊपर आएगा एडिशन और नीचे डेल्टा, या ए में से क्या आएगा ए, जिससे जब डेल्टा, जब म्यू वन भी हो जाए, डेल्टा जीरो हो जाए, तो अपन को नॉट डिफाइंड वाली कंडीशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। कचाक हो गया यार। अब होता है थिन प्रिज्म। थिन प्रिज्म में क्या होता है कि थिन प्रिज्म की प्रॉपर्टी होती है कि म्यू इज इक्वल टू, सॉरी, डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस वन इंटू ए। ये यहाँ से निकाल सकते हो। वैसे कैसे निकाल सकते हो, यहाँ से ये कि जब थिन होगा तो साइन ऑफ थीटा थीटा के बराबर होगा, तो म्यू इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाय टू अपॉन ए बाय टू। तो टू से टू गया तो म्यू ए इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा, तो म्यू ए माइनस ए इज इक्वल टू डेल्टा, तो म्यू माइनस वन इंटू ए इज इक्वल टू डेल्टा। और डेल्टा मिनिमम ही लेके चलते हैं उसके अंदर अपन, क्योंकि छोटा ही है, उसमें भी क्या एंगल सेट करेंगे अपन। तो डेल्टा कितना आ गया, म्यू माइनस वन इंटू ए। अब यहाँ पे दो चीज़ें पढ़ते हैं अपन, डेविएशन और हम पढ़ते हैं डिस्पर्शन। आप समझो इस चीज़ को, दोनों में क्या अंतर है, डेविएशन और डिस्पर्शन। कोई चीज़ डेविएट हो गई, देखो डिस्पर्स, क्राउड को हम बोलते हैं डिस्पर्स हो जाओ, तो एक जो क्राउड है ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट जगह जाता है, तो डिस्पर्शन कब बात करेंगे, जब मैनी मैनी पीपल होंगे। मैनी पीपल, मैनी पीपल, मैनी पीपल की हम क्या बात करेंगे, डिस्पर्स, कि क्राउड डिस्पर्स हो जाओ। डेविएशन, तुम बोल रहे हो कि यार जेई पढ़ रहा था, फिर मेरा तो यार वो थोड़ा सा हो गया, थोड़ा सा प्यार मोहब्बत हो गई, तो मैं डेविएट हो गया अपने गोल से। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, वन इंसान को हम क्या बोलेंगे, डेविएट। तो डेविएशन किसका होगा, हमेशा एक रे का, और डिस्पर्शन क्या होगा, मैनी रेज का। तो ये बात समझो पहले तो, कि डेविएशन किसका होगा, डेविएशन किसका होगा, एक रे का, और डिस्पर्शन क्या होगा, डिस्पर्शन क्या होगा, मैनी का। तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने बहुत प्रिपेयर करा, ये सब याद है अपन को, फटाफट से अपने पॉइंट्स लिखे, क्या क्या लिखने थे, अभी भी देखूंगा मैं इसमें कुछ बच जाएगा तो अपन सारा कुछ कवर कर लेंगे, कुछ छोड़ेंगे नहीं। तो जैसे ये है रे, ऐसे जाके अपन को पता है कि भाई बहुत सारे रेज बन जाते हैं। तो जैसे ये वॉयलेट है, ये विबगी और ऊपर चलेगा ना, ये रेड है, यहाँ पे येल्लो, येल्लो थोड़ा सा बीच में आता है ना, इसलिए अपन येल्लो लाइट को बहुत यूज करते हैं जनरली बल्ब वगैरह में। तो भाई डेविएशन ऑफ वॉयलेट कितना होगा, म्यू माइनस वन इंटू ए। डेविएशन ऑफ येलो कितना होगा, म्यू माइनस वन इंटू ए। डेविएशन ऑफ रेड कितना होगा, म्यू माइनस वन इंटू ए। अब आप बोलोगे सर सब में म्यू है, नहीं, कॉची फॉर्मूला याद करो ना, ये म्यू ऑफ वी, म्यू ऑफ वॉयलेट और म्यू ऑफ रेड अलग अलग हैं, करवाया था ना कॉची फॉर्मूला। कॉची फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी बाय लैम्डा स्क्वायर। तो जैसे अब वापस से बात कर लेते हैं वॉयलेट की, तो वॉयलेट का लैम्डा क्या होता है, वॉयलेट का जो लैम्डा होता है वो छोटा होता है, कैसे, क्योंकि रेड का बड़ा होता है, तो वॉयलेट का जो म्यू होगा वो बड़ा होगा, इसलिए इसका डेविएशन सबसे ज़्यादा है। तो डेल्टा वी इज मोर देन डेल्टा ऑफ येल्लो, ये येल्लो है यार मेरा, येल्लो भी ऐसे बन गया, इसको ऐसे बना बोलो, येल्लो इज मोर देन डेल्टा ऑफ रेड। समझ में आ रही है बात। इसको हम बोलते हैं मीन डेविएशन, मीन डेविएशन, और वो तो अपने एक्सट्रीम डेविएशन हैं, ठीक है ना। तो ये तो डेविएशंस हो गए, डेविएशन सबके अलग अलग होंगे, हमेशा हम बोलेंगे डेविएशन ऑफ वॉयलेट कितना होगा, डेविएशन ऑफ ये कितना। डिस्पर्शन में ऐसे नहीं बोलेंगे, डिस्पर्शन बोलेंगे एक रे का डिस्पर्शन नहीं होगा, डिस्पर्शन मैंने रेस का। तो डिस्पर्शन को हमने क्या डिफाइन करा, डिस्पर्शन। अब डिस्पर्शन समझो, डिस्पर्शन या फिर एंगल ऑफ डिस्पर्शन, डिस्पर्शन जो क्राउड कितना ऐसे चला गया, मतलब ये जो एंगल है इसको हम बोल देंगे डिस्पर्शन का एंगल। तो डिस्पर्शन मतलब क्या होगा, देखो कि यहां से ये किसी एंगल पे आया और यहां से ये किसी एंगल पे आया, समझ रहे हो, यहां से ये जो एंगल है वो एंगल तो कितना है डेल्टा ऑफ बी, और यहां से ये जो एंगल है वो कितना है डेल्टा ऑफ आर, समझ रहे हो, ये पूरा एंगल कितना है डेल्टा ऑफ बी, और इन दोनों एंगल में डिफरेंस कितना हो गया डेल्टा ऑफ बी माइनस डेल्टा ऑफ आर, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं। देखो अपने पास ना, इसको जूम करके भी वो भी अपने पास भाई, यहाँ से यहाँ ये तो स्ट्रेट लाइन जा रही थी अपनी, ऐसे यहाँ से यहाँ तक जो आया वो क्या है वॉयलेट का डेल्टा वी, यहाँ से यहाँ तक जो आया वो क्या है डेल्टा ऑफ आर। तो ये जो बच गया वो कितना बच गया डेल्टा ऑफ वी माइनस डेल्टा ऑफ आर, ठीक है ना। तो ये डिस्पर्शन का एंगल होता है अपना, ठीक है, ये क्या होता है डिस्पर्शन का। तो डिस्पर्शन कितना होगा डेल्टा ऑफ वी माइनस डेल्टा ऑफ आर, मतलब कि म्यू वी माइनस वन इंटू ए माइनस म्यू आर माइनस ऑफ वन इंटू ए, मतलब क्या हो गया म्यू वी माइनस इंटू ए माइनस ए माइनस म्यू आर इंटू ए माइनस म्यू आर,
ए से ए गया मतलब कि म्यू ऑफ वी माइनस म्यू ऑफ आर इन टू, ये तो अपना डिस्पर्सन हो गया। अब होता है डिस्पर्सिव पावर, डिस्पर्सिव पावर। तो डिस्पर्सिव पावर मतलब क्या हुआ कि मीन मतलब डिस्पर्शन या फिर टोटल डिस्पर्शन अपॉन मीन डेविएशन। इसका भी बहुत लॉजिक है कि सबसे बीच वाली चीज है वो तो कितना डेविएट हुई थी और उसके भाई ऐसे जा रही थी रे फिर वो ऐसे डेविएट हो गई, तो वो तो कितना डेविएट हो गई, उसके आजू बाजू में कितने गए, तो आजू बाजू का तो डिस्पर्शन टोटल निकाल दिया और मीन डेविएशन निकाल लेंगे, तो मतलब क्या हो जाएगा ये डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्शन टोटल कितना था, म्यू वी माइनस म्यू आर इन टू ए, और मीन डेविएशन कितना था, म्यू ऑफ येल्लो माइनस वन इन टू ए। तो ए से ए कैंसिल, देखो पावर है इसके कोई डायमेंशन नहीं रहेंगे, सिंपल म्यू अपॉन म्यू एक तरह से पावर है ना, सिंपल है विदाउट डायमेंशन, डायमेंशन लेस। ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स एक ऐसी चीज है यार जो मतलब केमिस्ट्री टाइप है, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री टाइप है, बस फॉर्मूले याद कर लो लगाओ खत्म, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। मतलब ये नहीं लगाना ना यार रोटेशन में जैसे करना होता है, अरे क्या लगाऊं एंगल ऑफ रोटेशन का बता दूंगा, रोटेशन एक वर्ड में खत्म करेंगे अपन किसी दिन, लाफिट सी में पूरा रोटेशन खत्म हो जाएगा, इसी को लगा लगा के पूरा रोटेशन खत्म कर देंगे, ठीक है चलो है ना। तो डायमेंशनलेस, अब क्या करना है अपन को, अब हमको ये करना है कि कभी भी बोलते हैं भाई डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, चैन ही नहीं है इन लोगों को, पता नहीं क्या करना है, और फिर बोलते हैं डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन, जैसे ना साउथ की मूवीज होती है जीने नहीं दूंगा, फिर दूसरी वही बनाएगा मरने नहीं दूंगा, है ना, जीने नहीं दूंगा, दूसरी वही बनाएगा मरने भी नहीं दूंगा, फिर तीसरी बनाता है पैदा ही नहीं होने दूंगा, ठीक है ना, वैसी वैसी मूवीज होती है साउथ की आती रहती है ना, देखते रहो। डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, फिर उसको उल्टा कर दिया डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन, तो विदाउट डेविएशन का मतलब क्या होगा कि डेविएशन को जीरो कर दो, और विदाउट डिस्पर्शन का मतलब क्या होगा कि डिस्पर्शन को जीरो कर दो। डिस्पर्शन को कुछ ओमेगा ओमेगा लिखते हैं, देख लेना वो डिस्पर्शन को जीरो कर दो, वो सब अपन सिंपल तो याद रखते ही नहीं है। कैसे होगा भाई, दो प्रिज्म लेने पड़ेंगे, एक सीधा लेना पड़ेगा उल्टा लेना पड़ेगा, इसका कुछ एंगल होगा ए वन, इसका कुछ एंगल होगा ए टू। अब डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन का मतलब क्या होगा कि डेविएट नहीं हुई रे, मतलब जो रे ऐसे जा रही थी वो अंदर बंदर कुछ भी हो लेकिन फाइनली वो ऐसे ही निकलेगी इसी एंगल पे, समझ में आ रही बात, जो रे ऐसे जा रही थी वो ऐसे ही निकलेगी, डेविएशन नहीं हुआ ना। तो डेविएशन अगर नहीं करना अपन को, नो डेविएशन, तो नो डेविएशन के लिए क्या कंडीशन लिख देंगे अपन, डेविएशन कितना होता है, डेविएशन होता है अपना म्यू माइनस वन इन टू ए प्लस दूसरे का भी कर दो म्यू माइनस वन इन टू ए, दिस इज इक्वल टू जीरो। ये ए वन रहेगा या ए टू रहेगा, ए टू को नेगेटिव लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेगा तभी जीरो आएगा। देखो नेगेटिव क्यों ले रहे हो, क्योंकि ये अगर ऐसे लेके जा रहा है तो वो दूसरा ऐसे लेके जा रहा है, समझ रहे हो, ए तो नेगेटिव होगा नहीं एंगल तो, बट इसका मतलब समझो कि एक अगर ऐसे लेके जा रहा है दूसरा ऐसे लेके जा रहा है, तो म्यू माइनस वन इन टू ए वन प्लस म्यू माइनस वन इन टू ए टू है ना, तो ये म्यू वन हो जाएगा म्यू टू, डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकता है ना, वन और टू है, तो ए टू को नेगेटिव लेना पड़ेगा, मतलब एक को नेगेटिव एक को पॉजिटिव लेना पड़ेगा, ये हो गया। और अगर मैं करेंगे डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन, मतलब डेविएशन तो हो गया और रे अंदर जाके टूटी भी थी, टूट गई थी और टूट गई थी बट वापस से आके मिल गई है, समझ रहे हो, बट डिस्पर्शन नहीं है ना, मतलब टूटी थी अंदर जाके बट वापस से आके उसे मिल गई है और मिलके ऐसे निकल गई, मान लो ये ऐसे एंगल पे था तो ये ऐसे निकल गई, मान लो मतलब दोनों के बीच में एंगल का डिफरेंस है, तो ये डेल्टा डेविएशन है। बट डिस्पर्शन मतलब बिखरी नहीं, डेविएशन मतलब डेविएट तो हो गई, ये डेविएट हो गई, पिछले केस में डेविएट ही नहीं हुई थी, पिछले केस में ये और ये पैरेलल है, ये और ये दूसरे के पैरेलल है, पैरेलल, इसमें डेविएशन तो हो गया, मतलब जो रे ऐसे थी वो मान लो ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है ना, तो डेविएशन तो हो गया। तो डिस्पर्शन हटाना है, डिस्पर्शन हटा दो भाई, डिस्पर्शन क्या होता है, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए वन प्लस म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए टू, इसको जीरो कर दो, ए टू को नेगेटिव ले लो क्योंकि उल्टा है, और ये सेकंड लेंस का लो, ये फर्स्ट लेंस का लो, भाई वी जो होगा वो समझ रहे हो फर्स्ट लेंस का अलग होगा, म्यू जो होगा वो रेड के लिए फर्स्ट लेंस का लगभग ए वन ए टू, ये सारा अपना ऑप्टिक्स होगा। तो ऑप्टिक्स कंप्लीट हो गया, मैं और देख लेता हूँ यार कुछ बच गया तो, है ना, काफ़ी चीज़ें हो सकता है बच गई हों, थिन प्रिज्म हो गया, उल्टा कर दिया, डिस्पर्शन हो गया, कॉची फॉर्मूला करवा दिया, कॉम्बिनेशन करवा दिया,
इसके अलावा मुझे लगता ही नहीं कोई प्रॉब्लम आएगा ऑप्टिक्स में। रिफ्रैक्शन हो गया, थीटा हो गया, टीआईआर हो गया, शिफ्ट हो गया, कहानी खत्म, झोला जटम। अरे हाँ वो तो छोड़ दिया अपन ने, कर्व्ड सरफेसेस। अब बच्चे वहां पे भी बड़ी दिक्कत करते हैं, कर्व्ड सरफेसेस के फॉर्मूले याद करने में। कर्व्ड सरफेसेस जैसे ये है, तो पहले तो समझ लो अपन इस तरफ मानते हैं ना, इस तरफ अपन पॉजिटिव मानते हैं, तो इसका जो आर होगा वो नेगेटिव होगा इस वाले का, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे म्यू वन का मीडियम है, यहाँ पे म्यू टू का मीडियम है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे इमेज बनेगा, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है देख लेता हूँ एक बार। म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। हो गया फॉर्मूला, क्यों हो गया फॉर्मूला, सिमेट्री है फॉर्मूले, बहुत अच्छी सिमेट्री है। देखो म्यू टू इमेज वाली जगह म्यू टू है, तो म्यू टू अपॉन वी लिख दिया, फिर म्यू वन अपॉन, ये जिंदगी भर याद हुआ कि नहीं, और प्लस नहीं आएगा, क्योंकि प्लस आएगा तो फिर सोचना ही क्या था, अगर प्लस ही आता तो फिर सोचना ही क्या था, समझ रहे हो, तो प्लस नहीं आएगा, इसको समझो माइनस आएगा। और ये सिमेट्री है, म्यू टू पहले आ रहा है तो पहले म्यू टू आएगा, म्यू वन बाद में आ रहा है तो बाद में म्यू वन आएगा, फिर आर का भी साइन लेना पड़ेगा, अगर ऐसे है तो नेगेटिव लोगे, ऐसे है तो पॉजिटिव लोगे। फिर इसी के बाद आता है डबल कर्व्ड सरफेस, जिसी के बाद अपना लेंस बनता है, तो ये म्यू वन है, ये म्यू टू है, ये म्यू थ्री है, ये आर वन है, दो रेडियस है ना आर वन और आर टू। तो अब देखते हैं, अच्छा ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा कहीं, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा यू, इमेज यहाँ बनेगी कहीं, तो ऐसे ही ना लेंस में ऐसे ही बता ना, ऑब्जेक्ट है, इमेज यहाँ बन रही है, इमेज यहाँ बन रही है, इमेज डिस्टेंस होगा भी, तो इसका बनाना है, इसमें बहुत सारी चीज़ हो गई, सिमेट्री लगाते जाओ करते जाओ। देखो म्यू टू और म्यू वन के साथ आर वन आएगा, तो म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर वन लिख दो। अब यहाँ मुझे नहीं पता प्लस आएगा कि माइनस आएगा, प्लस लिख लेते हैं एक बार अपन, माइनस भी लिख लेते हैं, दोनों अपन लिख के चलते हैं। ऐसे ही म्यू थ्री और म्यू टू, म्यू थ्री माइनस म्यू टू अपॉन आर टू लिख लो। देखो जिंदगी भर याद होगा, जिंदगी भर गारंटीड, जिंदगी भर गारंटी याद होगा, इज इक्वल टू। अब क्या है कि अपन को है ना वही वाला, जैसे फॉर्मूला तो यही है ना भाई, यही अपन ने दो बार लिख दिया, बाकी तो यही चीज है, तो म्यू थ्री अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू। और देखो सिमेट्री चल रही है, तो म्यू थ्री यहाँ पे पॉजिटिव है ना, तो म्यू थ्री यहाँ पे पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हटा दो नेगेटिव को, पॉजिटिव आएगा। अच्छा म्यू टू, म्यू टू कैंसिल हो रहे हैं ना, एक नेगेटिव म्यू टू एक पॉजिटिव म्यू टू, तो म्यू टू म्यू टू कैंसिल हो रहे होंगे, और फिर म्यू वन आएगा। कैंसिल क्यों बोलता हूँ मैं, आर वन आर टू अगर बराबर हो गए, फिर म्यू टू म्यू टू कैंसिल होकर सिमेट्री आना चाहिए, कि म्यू वन के साथ माइनस आ रहा है तो यहाँ भी माइनस आएगा, एक म्यू टू नेगेटिव एक म्यू टू पॉजिटिव से कैंसिल होगा, म्यू थ्री पॉजिटिव होगा, तो ये अपना फॉर्मूला बन गया। इसी से फिर अपन लेंस मेकर फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। लेंस मेकर फॉर्मूला कैसे ड्राइव करते हैं भाई साहब, कि लेंस में अपन मान लेते हैं कि म्यू वन और म्यू थ्री को वन लिख देते हैं, है ना, म्यू वन और म्यू थ्री को वन लिख देते हैं, तो ये क्या, और इसको म्यू लिख देते हैं, तो ये क्या बन गया, म्यू माइनस वन अपॉन आर वन प्लस वन माइनस म्यू अपॉन आर टू इज इक्वल टू म्यू थ्री, म्यू थ्री मतलब वन अपॉन बी माइनस वन अपॉन यू। फिर फंडा ये भी होता है कि जो इक्वी कॉन्वेक्स है, तो उसका जो आर वन और आर टू होता है वो दोनों बराबर होते हैं, आर वन और आर टू बराबर होते हैं, एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं, ठीक है ना, मतलब अगर इसको टेन लोगे तो ये माइनस टेन हो जाएगा, तो फिर वो और डाल देते हैं अपन, तो दोनों एक दूसरे के हट के, और वो अपना आंसर आ जाता है, ठीक है। अब लेंस का जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बन जाता है, वन अपॉन एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस वन इंटू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू। तो अब इसमें भी बच्चों को दिक्कत, ये जो म्यू है ना, ये म्यू एक्चुअली क्या है, म्यू ऑफ लेंस विद रेस्पेक्ट टू मीडियम है, तो मैं इसमें बहुत सारे केस लेने वाला हूँ अभी। कौन कौन से केस है, कि ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसका म्यू एल, इसका म्यू एम, वो तो अपन लिखेंगे हमेशा, म्यू ऑफ लेंस म्यू ऑफ मीडियम, ये कॉन्वेक्स है, तो पहले तो है ना, सॉरी यहाँ पर गलती कर दी मैंने, बना था आर वन माइनस वन अपॉन आर टू, ये आ गया, ये आ जाएगा ना, इसको उल्टा करेंगे, देखो बताता हूँ मैं, ये फॉर्मूला क्या बन गया अपना, म्यू माइनस वन वन अपॉन आर वन, ये उल्टा होगा ना म्यू माइनस वन, तो माइनस वन अपॉन आर टू इज इक्वल टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू। और वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू को अपन वन अपॉन एफ कैसे प्रूव करते हैं, कि अपन को पता है कि भाई जब मेरा यू इन्फिनिटी होता है तो मेरा वी एफ होता है, वैन यू इज इक्वल टू इन्फिनिटी या फिर माइनस इन्फिनिटी वी इज इक्वल टू एफ, तो इसी को अपन लिख देते हैं वन अपॉन माइनस इन्फिनिटी माइनस वन अपॉन, सॉरी वन अपॉन वी, वी एफ है ना, तो वन अपॉन एफ माइनस वन अपॉन इन्फिनिटी, तो यही फॉर्मूला वापस से क्या बन जाता है, वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल टू वन अपॉन एफ, तो ये हो गया अपना, तो यही जो फॉर्मूला है अपना वन अपॉन वी माइनस वन, दोनों का एक ही डेरिवेशन है, अलग अलग कोई डेरिवेशन नहीं है, एक ही डेरिवेशन है, ठीक है। अब मैं यार पहले है ना दो चीज़ बताना चाहता हूँ, कि ये वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू को अलग लेंगे, इसको अलग लेंगे, और दोनों से अपन निकालेंगे हो क्या रहा है। पहले तो
कॉन्वेक्स के लिए अपन वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू निकाल लेते हैं, समझ रहे हो? तो ये कॉन्वेक्स है, कॉनकेव है, और अपन निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं अपन, थोड़ा सा इस पर ना हटा मिटा देते हैं, रबर रबर की तरह रबर, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, अपन लिखेंगे वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू की वैल्यू, लेंस लेंगे अपन कॉन्वेक्स, फिर अपन लेंगे कॉन के, ठीक है। कॉन्वेक्स मतलब ये होता है, कॉनकेव मतलब ये होता है, ठीक है। देखो इसका जो आर वन है वो इस तरफ है ना, पॉजिटिव है ना, इसका जो आर वन है वो पॉजिटिव है, आर वन पॉजिटिव और आर टू नेगेटिव है। तो वन अपॉन आर वन मतलब वन अपॉन पॉजिटिव क्वांटिटी माइनस ऑफ वन अपॉन नेगेटिव क्वांटिटी, मतलब क्या आएगा, पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी। कॉनकेव में क्या है, कॉनकेव में ये आर वन है, बड़ा करें, ऐसा बोल रहे हो क्या तुम, बड़ा करें तो बोलो ना, आवाज़ नहीं आ रही। और ये आर टू है, आर वन तो क्या है, नेगेटिव है, उस तरफ है ना, उस तरफ है मतलब नेगेटिव है, उस तरफ मतलब है ना नेगेटिव, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। आर टू क्या है, पॉजिटिव है, तो वन अपॉन नेगेटिव माइनस वन अपॉन पॉजिटिव, तो ये तो नेगेटिव है और ये पॉजिटिव बन के नेगेटिव क्वांटिटी बन जाएगी। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसमें दो केस आएंगे, दो केस कौन से आएंगे, व्हेन म्यू ऑफ लेंस इज मोर देन म्यू ऑफ मीडियम, और व्हेन म्यू ऑफ, मैं बीच में आ गया आज तुम्हारे, आज तुम्हारे और पढ़ाई के बीच में मैं आ गया हूँ, हटना पड़ेगा मुझे, हटना ही पड़ेगा। म्यू ऑफ लेंस इज लेस देन म्यू ऑफ मीडियम, ठीक है ना। तो जब म्यू ऑफ लेंस इज मोर देन म्यू ऑफ मीडियम है, तो ये म्यू ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू मीडियम, मतलब म्यू ऑफ एल विद रिस्पेक्ट टू मीडियम, मतलब म्यू एल माइनस म्यू एम, इसका मतलब क्या होता है, म्यू एल अपॉन म्यू एम। तो जब ये चीज़ क्या हो जाएगी, वन से बड़ी हो जाएगी, तो ये चीज़ पॉजिटिव बन जाएगी, तो ये चीज़ क्या बन जाएगी इसमें, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव मिला के सब पॉजिटिव बन जाएगा, है ना, समझ लो क्या बोल रहा हूँ। और ये चीज़ इस केस में क्या बन जाएगी, ये भी पॉजिटिव ही रहेगी, पॉजिटिव नेगेटिव क्या बन जाएगी, नेगेटिव। इसलिए अपन क्या बोलते हैं कि जब भी अपन कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं उसकी फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव, और कॉनकेव की क्या होती है, नेगेटिव। लेकिन अगर उल्टा हो गया कि म्यू ऑफ लेंस इज लेस देन म्यू ऑफ मीडियम, मान लो हवा का लेंस बना रहा है पानी के अंदर, बन सकता है ना, हवा का बबल भी तो बनता है, तो लेंस का शेप भी बना सकते हैं, बनाने में कुछ भी बना सकते हैं। ये कहना प्लास्टिक ले लिया, प्लास्टिक बहुत पतला रखा, उससे तो कुछ हुआ नहीं, अंदर हवा भर दी और फिर पानी में डाल दिया। तो म्यू ऑफ लेंस अगर म्यू ऑफ मीडियम से बड़ा है, तो जो म्यू माइनस वन वाली चीज़ है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव। म्यू माइनस वन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो जो फोकल लेंथ है वो क्या बन जाएगी, नेगेटिव इंटू ये वाली क्वांटिटी, मतलब कि नेगेटिव फोकल लेंथ क्या बन जाएगी इसमें, मतलब इसकी बात कर रहे हैं अपने ना, ये फोकल लेंथ है अपनी, फोकल लेंथ क्या बन जाएगी इसमें, पॉजिटिव, इसकी बात कर रहे हैं अपन। तो उल्टा हो जाएगा, कॉनकेव लेंस कॉन्वेक्स की, मतलब कॉन्वेक्स लेंस, तो बेसिकली फंडा क्या है, लिख देता हूं मैं, कि कॉन्वेक्स एक्चुअली क्या होता है, कन्वर्जिंग होता है, और कॉनकेव क्या होता है, एक्चुअली में डाइवर्जिंग होता है। लेकिन जब म्यू ऑफ लेंस इज लेस देन म्यू ऑफ मीडियम होगा, ये म्यू ऑफ लेंस इज मोर देन म्यू ऑफ मीडियम है, तो ये बन जाएगा डाइवर्जिंग और ये बन जाएगा कॉन्वर्जिंग। ठीक है बच्चों, ये हो गया अपना खत्म। अब देखो अपन एक बार रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से, है ना, क्योंकि मेरा, मैं हमेशा वादा करता हूँ भाई जो पढ़ाऊंगा याद रहेगा, ठीक है। तो शुरू से रिवीजन कर लेते हैं, पीपीटी पीडीएफ में सेव कर देता हूँ पहले, जिससे मैं भूल नहीं जाऊँ, कभी कभी मैं सेव करना भूल जाता हूँ। इमेजेस दो तरह की होती है, रियल और वर्चुअल, जिंदगी भर याद हो गया, रियल क्या होता है, वर्चुअल क्या होता है। रियल मतलब जो एक्चुअली में मीट, ऑब्जेक्ट रियल कब होता है, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, टकराने से पहले जो हो रहा हो, तो ऑब्जेक्ट रियल भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट वर्चुअल भी हो सकता है, इमेज रियल भी हो सकती है वर्चुअल, इमेज रियल वर्चुअल कुछ कुछ भी बन सकता है। लेंस में माइनस आता है तो फॉर्मूले में माइनस आता है, बाकी सब जगह प्लस आता है। मैग्नीफिकेशन दो तरह के होते हैं, एक ऐसा वाला एक ऐसा वाला। ऐसा वाला सिंपल है, वी बाई यू सिमिलर ट्राइंगल से निकाल लो, फिर ऐसा वाला वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर है, माइनस कब आएगा प्लस कब आएगा देख लो। लेंस में एक बार माइनस आता है, बाकी सब जगह प्लस आएगा, मिरर में प्लस आएगा, बाकी सब जगह नेगेटिव आएगा। उसके बाद पावर कंबाइंड हम कर सकते हैं कि दो बार लेंस से लेके जाएंगे, एक बार मिरर से टकराएंगे, तो पावर कंबाइंड कर देंगे। फिर ये गलती भी ना हो यहाँ पे कि जो पावर था फाइनल मिरर है तो नेगेटिव आएगा, वन अपॉन फोकल लेंथ है ना, तो ये 5 सेंटीमीटर गलत है, ये -5 सेंटीमीटर आएगा। फिर क्या था, और ये जिंदगी भर याद हो जाए, हो गया अब आपको, ये बहुत सिंपल होता है रिफ्लेक्शन का, कि भाई एक ऐसे था एक ऐसे था ना, तो पहले दोनों को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर दो, इसको उल्टा कर दो,
दोनों का मीडियम निकाल लो, क्योंकि ऐसे क्या दोनों का एडिशन करेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा, फिर दोनों का एंगल निकाल सकते हैं अपन। ये सिंपल हो गया कि ये ऐसे था तो इसके पास दो तरीके थे वेलोसिटी, एक इस तरफ एक इस तरफ। अब वेलोसिटी जो है भाई डीएक्स क्या होता है, वीडीटी होता है ना, तो वेलोसिटी जो है थोड़े से टाइम में मल्टीप्लाई होकर, वो एक लेंथ मान लो ऑब्जेक्ट की इतनी बन गई, और ऐसे मान लो लेंथ बन गई, तो उसका क्या होगा, पहले वी निकालो, तो यू -30 था तो वी कितना आ गया -60, तो निकाल सकते हो। फिर मैग्निफिकेशन निकालो और एम स्क्वायर, एम कितना आएगा -2, माइनस क्यों आएगा, बिकॉज ये मिरर है, मिरर के अंदर मैग्निफिकेशन क्या होता है, सीधा माइनस ऑफ वी बाई यू, तो माइनस ऑफ -60 और -30, तो -2, एम स्क्वायर कितना होगा, माइनस ऑफ, माइनस का मतलब इसकी जगह उल्टा होगा, इसकी जगह भी नीचे होगा, तो ये 3 था तो नीचे की तरफ 6 आएगा, ये 4 था तो स्क्वायर 4 4 जो 16 हो जाएगा, तो ये 6 और ये 16 बन गई इसकी इमेज। ठीक है, सिंपल है, सिंपल है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। नेट वेलोसिटी निकाल ही सकते हो, कैसे निकालते हैं, ये एंगल्स याद कर लो, साइन कॉस क्या होता है, सिंपल है ये भी चीज़ें ना, ये याद कर लो, ये अपन कर ही चुके थे। फिर ये भी हो जाएगा कि डायरेक्टली अगर वाई इक्वल टू 2 पे जाएगा तो क्या होगा, है ना, समझ रहे हो, कि डायरेक्टली यहाँ से यहाँ लगा दो, तो 1 इंटू म्यू इंटू साइन थीटा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, 1 इंटू साइन 45 इक्वल टू दिस हो जाएगा। फिर क्या है ये, हाँ कि अगर हरा ऐसे जाएगा तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है यहाँ पे मैंने कुछ गलती कर दी है, हो सकता है गलती कर दी हो मैंने, क्योंकि मैं याद तो कुछ रखता नहीं हूँ जिंदगी भर के लिए, है ना, क्योंकि ग्रीन अगर बीच में जाएगा तो जो म्यू है ए बाय, तो लैम्डा किसका बड़ा है, रेड का लैम्डा छोटा, ये गलती कर देना अपन, रेड का लैम्डा छोटा, रेड का लैम्डा बड़ा है, रेड का लैम्डा बड़ा है, ये आपको लग भी रहा होगा लेक्चर में, तो म्यू छोटा होगा, म्यू छोटा होगा, रेड का लैम्डा बड़ा है, और वॉयलेट का लैम्डा छोटा है तो म्यू बड़ा होगा, तो वॉयलेट जो है वो नीचे आएगा, रबर का है, रबर अपना, रबर रबर रबर, तो वॉयलेट जो है, ये मुझे कैसे पता पड़ा, गलती में बताता हूँ, ये भी आपको एग्जाम में आपको पता भी रहे कि गलती हो रही है, ये कैसे पता रहेगा आपको बताता हूँ, देखो समझो, देखो मुझे पता है कि लेंस में क्या हो रहा था, लेंस में क्या हो रहा था, वी नीचे आ रहा था ना, ऊपर आर जा रहा था, तो वॉयलेट ज्यादा डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे कम क्यों हो गया, यहाँ पे भी ज्यादा होगा, समझ रहे हो, ग्रीन से तो इतना, ग्रीन से ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा, रेड ऊपर, और ये एंगल तो थीटा थीटा बराबर होगा, ये टोटल डिफ्लेक्शन ही हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, ये सी जी एस यू वी आई एम आर याद हो गया अपन को, है ना, लैम्डा इंक्रीज करेगा याद होगा, जिंदगी भर के लिए याद हो गया अपन को। ठीक है, जेई एम्स का ये बना लो यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारा मोटिवेशन बना रहेगा, ये हमेशा याद रखो, आई डोंट वॉन्ट एनी रिविजन, फिजिक्स तब स्ट्रांग होगी जब होगी, जब जिंदगी भर याद रहेगा तो फिजिक्स आबाद हो जाएगी, जब जिंदगी भर याद तो फिजिक्स आबाद। ठीक है, मिरर को अगर रोटेट करेंगे थीटा से तो रे भी रोटेट होगी 2 थीटा से, इवन का ऑड, ऑड का इवन, ऑड इवन का ऑड, ऑड का इवन, इवन का ऑड मतलब ई पहले आएगा, ऑड ए बी सी डी में ई पहले आता है ना, तो इवन का ऑड और ऑड का इवन, ऑड इवन का ऑड और ऑड का इवन, इवन का ऑड मतलब 6 अगर आंसर आएगा तो आंसर 5 आएगा, और 15 अगर आंसर आएगा तो 15 और 14 आंसर आएंगे। ठीक है, ये भी सिंपल है, मैग्निफिकेशन प्लस माइनस सब याद ही है अपन को, ये शिफ्ट याद हो गया, कन्फ्यूजन नहीं होना है, टी इंटू 1 माइनस म्यू और म्यू -1 इंटू टी में कन्फ्यूजन नहीं होना है। ठीक है ना, कैसे याद रखेंगे कि भाई ये पानी का अपन को पता है ना, इसमें पहले तो ये याद रखो कि जिंदगी भर की लॉ ऑफ कर्मा, कर्मा कर्मा होता है ना, जो जैसा करता है उसको वैसा, जो जैसा होता है उसको वैसा दिखता है, जो जैसा होगा उसको वैसा दिखेगा, ये बर्ड छोटे मीडियम में उसको छोटा दिखेगा सब कुछ, तो 9 था +12 × 3/4 करेंगे, 4/3 नहीं करेंगे, छोटा दिखेगा उसको, फिश बड़ा था तो 12 + 9 × 2, ये ट्रिक्स आज तक आपको कहीं नहीं मिलेगी, इसके बाद कहीं मिलेगी ना तो साफ बोल दूंगा भाई चोरी की है ट्रिक, ये पहली बार अपन कर रहे हैं ट्रिक, है ना, स्पेशली आपके लिए है, जो भी सब्सक्राइब कर चुके हैं चैनल को अभी तक उनके लिए, ये समझ गया होंगे शिफ्ट, ये याद ही हो गया आपको, ये भी जिंदगी भर याद हो गया आपको, है ना, जिंदगी भर कैसे याद हो गया कि भाई जो म्यू होता है, पहली बार तो म्यू की कर रहे हैं, तो म्यू 1 से बड़ा होता है, तो ऊपर बड़ी चीजें आएंगी नीचे छोटी चीजें आएंगी, अब नीचे भी डेल्टा मिनिमम अपॉन 2 नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, कि डेल्टा मिनिमम अगर 0 हो गया मतलब डेल्टा ही 0 हो गया मतलब नहीं हो रहा, तो म्यू तो 1 होना चाहिए था ना, बट म्यू 1 होगा तो ये अगर 0 होगा तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा यहाँ पे, नॉट डिफाइंड मतलब बड़ी वैल्यू बन जाएगी, तो वो हो नहीं सकता पॉसिबल, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर म्यू 1 होगा तो मतलब कुछ नहीं हुआ, कोई लेंस नहीं है, तो डेल्टा कितना होना चाहिए था, 0 होना चाहिए था, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए था, ये 0 होते ही ये नॉट डिफाइंड बन जाएगा, या फिर इन्फिनिटी जो होता है वो बन जाएगा, तो वो नहीं हो पाएगा ना, तो 1 आना चाहिए था उसका आंसर, तो कैंसिल कब होगा, जब म्यू 1 होगा, कैंसिल भी हो रहा है, देखो कहाँ लिखूँ यार इसको मैं, जब म्यू इक्वल टू 1 होगा तो देखो कैसे कैंसिल हो रहा है, तो म्यू कितना होता है, साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा / 2 अपॉन साइन ऑफ
ए बाय, क्योंकि डेल्टा मिनिमम है, तो मिनिमम मैक्सिमम के डेल्टा होगा ही नहीं ना। जब म्यू वन होगा तो जो मीडियम है वो क्या होगा, कुछ होगा ही नहीं, लेंस होगा ही नहीं। तो साइन ऑफ ए बाय टू बना रहा है, ये भी बना रहा है, इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, खत्म कहानी, जिंदगी भर याद हो गया। फिर डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस वन इंटू ए, ये भी याद है। कैसे याद है कि म्यू जो होता है वन से बड़ा होता है, डेल्टा एक एंगल रहेगा। फिर डिस्पर्शन क्या है, डेविएशन क्या है, याद है अपन को, है ना। कौन सा ज्यादा करेगा, नीचे वायलेट आएगा ऊपर रेड आएगा, ये सिंपल है, उल्टा कर दो, नेगेटिव कर दो इसको, याद हो गया। रोटेशन का भी करेंगे, लाफेट सी लगा के अपन पूरा रोटेशन कर लेंगे, हो गया ये, हो गया। कर्व सर्फेस समझ में आ गए, सिमेट्री रहेगी, ये म्यू वन है ये म्यू टू है, तो ये इमेज है तो इसके साथ वी आएगा, तो म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वी अपन आर। आर को साइन देख लो, इस तरफ नेगेटिव इस तरफ पॉजिटिव, सिंपल हो गया, खत्म हो गया सब कुछ, खत्म हो गया। अब कुछ ऑप्टिक्स में कुछ याद नहीं करना, कभी रिविजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आर टू है, ये म्यू थ्री, इसको म्यू वन बोल दो, इसको म्यू टू बोल दो, इसको म्यू थ्री बोल दो, ये आर टू है, तो आर टू किसके साथ आ रहा है, म्यू टू और म्यू थ्री के साथ आर टू आ रहा है, और म्यू टू और म्यू वन के साथ आर वन आ रहा है, तो म्यू टू और म्यू वन के साथ आर वन, और म्यू थ्री और म्यू टू के साथ आर टू, माइनस तो करना ही पड़ेगा। और फाइनली म्यू थ्री के साथ वी आएगा, तो म्यू थ्री अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू। तो अब फाइनली क्या होना चाहिए, यहाँ पे माइनस म्यू वन के साथ रहना चाहिए, तो सिमेट्रिकली यहाँ पे माइनस और म्यू थ्री के साथ पॉजिटिव रहना चाहिए, और माइनस ऑफ यू टू और यू कैंसिल होना चाहिए। फिर लेंस मेकर फॉर्मूला हो गया। एक बच्ची ये भी गलती, ये समझ में आई गया, एक बच्ची ये भी गलती करते हैं कि है ना, फोकस इज इक्वल टू आर बाय टू, ये केवल ओनली वैलिड फॉर मिरर्स होता है, ओनली फॉर मिरर्स, नॉट फॉर लेंसेज, ये भी एक अपन याद रखेंगे, ठीक है ना। फिर एक और चीज़ होती है कि पानी के अंदर क्या चेंज होगा, पानी के अंदर, पानी के अंदर मिरर का फोकल लेंथ सेम रहेगा, क्यों सेम रहेगा भाई, क्योंकि फोकल लेंथ क्या होता है मिरर का, आर बाय टू, आर तो चेंज ही नहीं हुआ ना, सेम रहेगा, और लेंस का जो है वो फोकल लेंथ चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा, क्योंकि लेंस का जो फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है वन अपॉन एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस वन होता है, जो म्यू होता है वो क्या होता है, म्यू ऑफ लेंस विद रेस्पेक्ट टू मीडियम इंटू वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। तो ये तो सेम रहेगा बट ये चेंज हो जाएगा। तो इसी के साथ बच्चों ऑल द बेस्ट, लगे रहो, टेक केयर, बाय।